हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा वो बहुत ही इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में, जिसको प्रैक्टिकली फील करने के लिए मैं उसको बोलूँगा आधार कार्ड नंबर। जैसे इंडिया में किसी पर्सन को सर्च करना हो तो उसका आधार कार्ड नंबर मालूम होना चाहिए, वैसे ही एटम में किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना हो तो उसका क्वांटम नंबर मालूम होना चाहिए। इसलिए हम क्वांटम नंबर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज गिवन बाय क्वांटम नंबर। अगर आपको क्वांटम नंबर मालूम है तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मालूम है, डैट मीन्स वो कौन से शेल में होगा, कौन से सब शेल में होगा और कौन से ऑर्बिटल में होगा, किस ओरिएंटेशन में होगा, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। इसीलिए जो क्वांटम नंबर हैं वो टोटल 4 हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है फर्स्ट, सेकेंड इज एजीमिथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। देयर आर 4 क्वांटम नंबर, तो नेम आपको याद रहेगा। नाउ इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबको स्मॉल लेटर से करते हैं। प्रिंसिपल को स्मॉल n से, एजीमिथल को l से, मैग्नेटिक को m से, स्पिन को s से। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो डिनोट क्या करता है, क्या बताता है, तो वो किसी भी एटम में शेल या ऑर्बिट को बताएगा। ध्यान दे, ऑर्बिट, राइट। वैसे ही एजीमिथल क्वांटम नंबर सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल ओरिएंटेशन को, एंड स्पिन क्वांटम नंबर रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डैट इज क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, उसको बताता है। नाउ अगेन, सबसे पहली चीज़ कि सर इसको कैसे याद रखेंगे, तो वेरी सिंपल ट्रिक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। ये 4 क्वांटम नंबर का सिंबल कैसे याद रखेंगे, NLMS, राइट। फिजिक्स में एक चैप्टर है न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस, उससे याद रख सकते हो। सेकेंड थिंग कि सर इसका प्रैक्टिकल फीलिंग बताइए, तो इसकी प्रैक्टिकल फीलिंग इधर है। जो शेल या ऑर्बिट है वो एक्चुअली मैं उसको क्या बोलूँगा, फ्लोर। जैसे बिल्डिंग में एक फ्लोर होते हैं, राइट, फिर उस पर टाइप्स ऑफ रूम होते हैं, फिर उस रूम के अंदर नंबर ऑफ रूम्स होते हैं, राइट। बिल्डिंग सबको मालूम होता है क्योंकि बिग लेवल पे होते हैं, इजीली आंखों के सामने दिखता है तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन एटम में कुछ दिखता नहीं है तो इसलिए सब ब्लैंक हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैंने कनेक्ट कर दिया है कि एटम में जो शेल या ऑर्बिट है वो हमारे लिए बिल्डिंग में क्या है, फ्लोर है, राइट। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन। वैसे ही जो सब शेल है वो उसको मैं क्या बोलूँगा, टाइप्स ऑफ रूम्स है, डैट इज 1BHK, 2BHK, 3BHK, क्योंकि इससे प्रैक्टिकल फीलिंग आ जाती है। वैसे जो ऑर्बिटल है उसको मैं क्या बोलूँगा, रूम्स बोलूँगा, राइट। तो यहाँ पे ये पॉइंट है आपका कनेक्शन का। नाउ इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, और ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होगा आपका, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, राइट। तो वेरी सिंपल हो गया, जैसे बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वैसे ही एटम में जो शेल या ऑर्बिट होंगे वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू तो क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग कि जो एजीमिथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू, ध्यान देना बेटा, ऑलवेज स्टार्ट्स होगा 0 से, 0 से स्टार्ट करना ऑलवेज, और एंड कहाँ पे करना है, जितना n की वैल्यू होगी, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उससे एक कम पे रोक देना है। बात समझ में आ गई। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, तो एजीमिथल क्वांटम नंबर डेट इज l पे। तो l की जो भी वैल्यू आप लोगे तो -L to +L तक आपको बताना है, डैट मीन्स बिल्कुल ये नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको थिंक करना है। बीच में ओरिजिन 0 हो गया, इधर 1, इधर 2, इधर 3, तो इधर -1, -2, -3, लाइक दिस। तो -L to +L का मतलब क्या हो गया, कि अगर सपोज करते हैं l की वैल्यू 1 है तो -1 to 1 में कौन कौन आ गया, -1, 0, 1, ये वैल्यूज को आपको पिकअप करना है, समझ के बाद। और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, फिक्स है, आइदर -1/2 या +1/2, ये फिक्स है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि मेरे लिए जो n की वैल्यू है, डैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर की वैल्यू, वो 4 है। अगर ये 4 है तो ये एक नंबर हो गया, राइट। बट अब l की वैल्यू, एजीमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, स्टार्ट करना 0 से, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड 3 हो सकता है। कैसे, स्टार्ट्स फ्रॉम 0,
एंड्स एट 10-1, तो चार था उससे एक कम तो तीन, तो डैट मीन्स ध्यान से देखो शेल नंबर 4 होगा बट उसमें एज ए मिथोल क्वांटम नंबर की वैल्यू ये चार पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, ये एक नंबर होगा बट ये चार नंबर पॉसिबल है यहाँ पे। तो ऑलवेज स्टार्ट करना 0 से, एंड करना एन माइनस 1 पे। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आएगी, 0 के करस्पॉन्डिंग माइनस 0 टू 0 में देख लो, माइनस 0 टू 0 में एक ही वैल्यू डेट इज 0, इसके करस्पॉन्डिंग अगर लोगे तो माइनस 1 टू 1 में कौन कौन है, माइनस 1, 0, 1, तो 0 फिर से आ सकता है इसलिए ध्यान देना, राइट, जो बताया उसके अकॉर्डिंग। वैसे ही अगर 2 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो माइनस 2 टू 2 में कौन आ रहा है, ध्यान से देखो, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, ये सारे लिखना आपको। और सिमिलरली 3 के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, तो माइनस 3 टू 3, तो माइनस 3 टू 3 में माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो जैसे देखो 0, 0, 0 सब में आ रहा है, राइट, इसमें 1 नहीं है, माइनस 1 नहीं है, यहाँ पे आएगा, तो एक ही नंबर रिपीट हो सकते हैं, कंडीशन इज कि इसकी एक वैल्यू होगी, इसकी एक वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है और फिर इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये, डैट मीन्स ये इस पर डिपेंड कर रहा है और ये इस पर डिपेंड कर रहा है, समझ के बाद, और ये हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, हर वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग माइनस हाफ या प्लस हाफ होगा, जितनी भी वैल्यूज मैंने इसमें लिखा है सबके करस्पॉन्डिंग माइनस हाफ या प्लस हाफ होगा, तो ये एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ट्रिक का जो दूसरा पॉइंट है बेटा कि ये चीज़ें फिक्स हैं, इसलिए ये माइंड में बैठा लेना, कहीं पे भी अगर एल की वैल्यू जीरो रही है, डैट इज एजिमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो है, तो वो आपका एस सबसेल है, फिक्स हो गया, राइट, एल जीरो होते ही एस सबसेल, सिमिलरली एल वन होते ही पी सबसेल, एल टू होते ही डी सबसेल, एल थ्री होगा तो एफ, एल फोर होगा तो जी, एल फाइव होता तो एच, एंड सो ऑन। तो इसलिए ऑलवेज ध्यान रखना हमारा काम एस पी डी एफ तक ही बन जाता है बट आगे भी जाया जा सकता है। तो वेरी सिंपल, क्योंकि एजिमिथोल क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स होते ही सबसे लव का फिक्स हो जाएगा, कहीं पे भी एल टू है तो फिक्स है वो डी होगा और कुछ नहीं हो सकता, राइट, तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जो शेल होंगे या ऑर्बिट वो नंबर ऑफ सबसेल के बराबर होंगे, तो इसको मैं एक सिंपल आपको प्रैक्टिकल फीलिंग से बताता हूँ, डैट मीन्स जितना फ्लोर नंबर होगा उतना ही उस पे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रूम होंगे, जितना फ्लोर उतने ही टाइप्स के रूम, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर तो फ्लोर का नंबर 1 तो उस पे टाइप्स ऑफ रूम 1 होंगे, वैसे ही सेकेंड फ्लोर तो सेकेंड फ्लोर मतलब फ्लोर नंबर 2 तो उस पे 2 टाइप्स के रूम होंगे, राइट, जैसे ये चीज़ प्रैक्टिकली फील कर सकते हो, चूँकि बेस को बहुत मजबूत बनाना है तो फर्स्ट फ्लोर पे एक ही टाइप के रूम, सेकेंड फ्लोर पे 2 टाइप के लाइक 1 BHK, 2 BHK, थर्ड फ्लोर पे गए तो 3 टाइप के मतलब 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, राइट, एक बार S स्टार्ट हो गया तो वो स्टार्ट होते रहेगा हर फ्लोर पे, वैसे ही P जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसके आगे का हर फ्लोर पे P रहेंगे। तो वेरी सिंपल है, ध्यान से समझो, फर्स्ट फ्लोर पे ओनली 1 टाइप सबसेल है, डैट इज S, सेकेंड फ्लोर जितना फ्लोर नंबर तो उतना आपको कट मार देना है, सबका मैंने बेस बनाया उतना कट मार दिया, तो एक कट मारा, ध्यान से देखो 2 घर बने, एक का नाम S, एक का नाम P। अगर मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ तो 3 हो गया, तो 3 कट बोलने का मतलब 3 घर बना दिया, राइट, और एक का नाम S, एक का नाम P, इसका नाम D। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है कि 1S पॉसिबल है, राइट, बट 1P नहीं होगा, वो यहीं से समझ में आ रहा है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे P नहीं है, राइट, वैसे ही 2P आपका पॉसिबल है बट 2D पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि सेकेंड फ्लोर पे D नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चार ऑप्शन देकर के, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो वेरी सिंपल यहाँ से आप पता कर सकते हो, जितना फ्लोर नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रूम होंगे, डैट मीन्स नंबर ऑफ सेल जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ सब सेल होंगे, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट सेल है तो उसमें टाइप्स ऑफ सबसेल भी 1 है, सेकेंड पे 2 तो 2 टाइप के सबसेल हैं, राइट, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक और पॉइंट कि कहीं पर अगर उसने 4D लिखा है, ऐसे लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, ये आगे का नंबर आपको क्या बता रहा है, शेल को या ऑर्बिट को या फिर यही हमारे लिए क्या हो गया, फ्लोर को, क्योंकि हमने किससे रिलेट किया, फ्लोर से, और ये D क्या बता रहा है, सब सेल को, डैट इज टाइप्स ऑफ रूम को। यहाँ पे हम थोड़ा और भी समझे, जैसे A सब सेल बोले तो मैं इसको रिलेट करूँगा 1BHK से, राइट, क्यों ऐसा उसको भी समझाता हूँ, इसको मैं रिलेट करूँगा 2BHK से,
क्यों? क्योंकि एक प्रैक्टिकल फीलिंग आ जाती है, क्योंकि एस सब सेल छोटा है, उसमें कम लोग रहेंगे तो 1 BHK भी छोटा होता है साइज में, राइट। पी सब सेल थोड़ा उससे बड़ा होगा तो इसलिए 2 BHK भी उससे बड़ा होता है, और सबका डिफरेंट शेप होंगे, राइट, डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आएगी, तो जैसे 1 BHK बोलते हैं हमारे माइंड में क्या जाता है कि उसमें एक रूम होगा और एक हॉल होगा, राइट। तो वैसे ही एस सब सेल बोलते ही आपके माइंड में नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगा, वैसे ही पी सब सेल दैट इज 2 BHK बोलते आपके माइंड में क्या आ जाता है कि 2 बेडरूम होंगे और एक हॉल होगा। तो वैसे यहाँ पे पी सब सेल बोलते आपके माइंड में आ जाएगा कि कितने ऑर्बिटल होंगे, जिसको मैं अभी आगे के वीडियो लेक्चर में बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे अगर सेल या ऑर्बिट का नंबर एन है, राइट, दैट मीन्स फ्लोर नंबर आपको मालूम है, तो फिर उसी फ्लोर पे कितने सब सेल होंगे तो वो भी उसी के बराबर हो जाएंगे। जो अभी यहाँ पे समझाया कि जितना फ्लोर नंबर होगा उतने ही टाइप्स के रूम होंगे, दैट मीन्स जितना सेल होगा उतने ही सब सेल होंगे। अगर मान लो आप 10वें फ्लोर पे हो तो उस पर टाइप्स ऑफ सब सेल कितने हो जाएंगे, 10। वेरी सिंपल, और ऑलवेज स्टार्ट एस से करना है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच एंड सो ऑन। समझ गए बात। नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट मीन्स नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे, तो जो एन का होगा उसका स्क्वायर कर देना है, राइट। जैसे अगर मैं 5th फ्लोर पे हूँ तो सेल का नंबर 5th हो गया, टाइप्स ऑफ सब सेल 5th हो जाएंगे, उस 5th फ्लोर पे नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे टोटल, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25। और हर एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये सभी को मालूम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2n² इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि कोई n = 6 6th फ्लोर पे, तो 6th फ्लोर पे होने का मतलब उस फ्लोर पे, उसी फ्लोर पे कितने सब सेल होंगे, 6 टाइप के होंगे, कौन कौन, s p d f g h 2 4 6, ये 6 टाइप के सब सेल होंगे, उसका नाम भी आपको ध्यान में रखना और ऑलवेज ऐसे ही चलना है। फिर अगर उसी फ्लोर पे हमसे पूछा नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर डेट इज 36 रूम्स होंगे। और अगर उसी सेल में, राइट, उसी फ्लोर पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पर्सन रह सकते हैं वो पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 36 × 2 डेट इज 72। तो ये है ऑफिसर का एक पहला ट्रिक। नाउ नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2, डैट इज़ वेरी सिंपल एंड अगेन वेरी इजी। एजीमिथोल क्वांटम नंबर की वैल्यूज फिक्स होते ही सब सेल फिक्स हो जाएंगे, राइट। फिर सब सेल को हमने क्या बोला था, टाइप्स ऑफ रूम्स रिलेट किया था, राइट। फिर वैल्यूज ऑफ एम क्या होगी, क्योंकि एल पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल या रूम क्या होंगे और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सबको मैंने एक जगह पे लेके आया हूँ। ध्यान से देखो, अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो फिक्स हो गया है वो एस सब सेल है, हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, 1 BHK, क्योंकि इसका साइज छोटा होगा। अब M की वैल्यू क्या होगी, चूँकि L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, डैट इज़ 0। जितना नंबर होगा उतना घर बनाना आपको, राइट। यहाँ पे एक ही नंबर है तो एक घर, 0 मतलब 0 घर नहीं, नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, राइट। तो एक है तो एक घर बनाना है, राइट। और हर घर में 2 लोग रह सकते हैं मैक्सिमम, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पर्सन जो आप अगर बोलोगे तो वो 2 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर L की वैल्यू 1 है तो वो P सब सेल हो गया, फिक्स P सब सेल होंगे, जिसको मैं 2 BHK से रिलेट करूँगा। अब अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 to 1 में -1 0 1, तो टोटल डिजिट कितना आपके पास, 3 डिजिट है, तो इसलिए 3 घर आपको बनाने हैं, राइट। और हर एक का कोडवर्ड होगा, एक घर का -1 कोडवर्ड, एक का 0, एक का 1, राइट। तो 3 घर बन गए और हर घर में 2 लोग, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6, सिंपल है। उसके बाद अगर L की वैल्यू 2 है तो वो फिक्स हो गया है, डी सब सेल, जिसको मैं 3 BHK से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चूँकि L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2 to 2 में कौन है, -2 -1 0 1 2, टोटल वैल्यूज कितने आ गए, 5। तो इसलिए मैं कितना घर बनाऊँगा, 5 घर बनाऊँगा, 5 ऑर्बिटल बनेंगे, सबका कोडवर्ड रहेगा, राइट। और हर घर में 2 लोग, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। सिमिलरली अगर L की वैल्यू 3 है तो वो F सब सेल हो गया, 4 BHK से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूंकि 3 है L की वैल्यू, तो -3 to 3 में -3 -2 -1 0 1 2 3, टोटल 7 वैल्यूज आ जाएंगे, इसलिए 7 घर आपको बनाना है, 7 ऑर्बिटल, सबका अलग अलग कोडवर्ड रहेगा, राइट। किसी को भी कोई कोडवर्ड दे सकते हो, लेकिन एक ही घर का कोडवर्ड सेम नहीं हो सकता। और चूंकि 7 घर हैं तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से भी एक कनेक्शन है, आप ध्यान से देखो, S P D F
एस में वन, तो उसके बाद दो ऐड करो, हर बार दो ऐड करते जाओ, तो थ्री, फिर दो ऐड करेंगे तो फाइव, फिर दो ऐड करेंगे तो सेवन, ऐसे राइट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये ऑड नंबर में रूम्स आ रहे हैं, वन थ्री फाइव सेवन नाइन एलेवन एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, ऑर्बिटल में हम कर रहे हैं, तो पहले वाले में दो, एस वाले में, पी वाले में, उसमें चार और ऐड कर दो तो सिक्स, फिर फोर ऐड करो तो टेन, फिर फोर ऐड करो तो फोर्टीन, फिर अगर और होता तो एटीन एंड सो ऑन। तो बस समझ में आ गए, तो ये कंसेप्ट को भी समझ लेना। ऑर्बिटल 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर में है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डैट ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो फर्स्ट वाले में 2, फिर 4 ऐड करते जाना, 2, 6, 10, 14, 18, 22 एंड सो ऑन। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल डे टू डे लाइफ से हमने कनेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर वन में n अगर 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला दिया था 2n स्क्वायर हो जाएगा राइट, 2 × 4 का स्क्वायर, डैट इज आंसर विल बी 32। क्वेश्चन नंबर टू में इसमें से NLMS डैट मीन्स चार क्वांटम नंबर की वैल्यू कौन सी पॉसिबल नहीं है, ये पूछा गया। तो ध्यान से देखो, अगर N3 है तो L3 नहीं हो सकता राइट, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थ्री में नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपसे पूछा गया, अगर N5 है और M+2 है, तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से समझो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा N5 है, तो N अगर 5 है तो L की क्या क्या वैल्यू होगी, 0, 1, 2, 3, 4, बस इतना ही हो सकता है। और M की वैल्यू L पे डिपेंड करती है, M की वैल्यू 2 कब हो सकता है, जब L की वैल्यू 2 या उससे ग्रेटर हो, तो यहाँ पे हो रहा है राइट। तो इन सब में एक एक आएगा, क्योंकि -L2+L, तो इसमें 1+2 आ जाएंगे, इसमें भी 1+2 आएगा, इसमें भी 1+2 आ जाएगा राइट, क्योंकि फिक्स कर दिया, तो बेटा ध्यान से जाना, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 3 राइट। क्वेश्चन नंबर फोर में नंबर ऑफ सब सेल N4M-2, तो अगेन ध्यान से देखो, N4 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 तक ही जाना है, और चूंकि M-2 लेना है राइट, तो वो कब आ सकता है, जब L की वैल्यू 2 या उससे ग्रेटर हो, तो दो नंबर ऐसे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो ऐसे पॉइंट का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फाइव में नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ N=5, एस हाफ है, तो N5 है राइट, तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डायरेक्ट स्पिन क्वांटम नंबर पे उसने कंडीशन लगाया है, और वो सिर्फ एक लेना है, तो डेट मीन्स दूसरा नहीं लेना है, तो वी नो कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2n² डैट इज 50। 50 में से 25 आपका प्लस हाफ रहेगा, और 25 माइनस हाफ वाले, तो हमें सिर्फ प्लस हाफ वाले लेना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि डायरेक्ट n के बाद s पे कंडीशन है, l और m पे कंडीशन नहीं है, तो सारे पॉसिबिलिटी लेने हैं राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स में अगर N5 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो अभी आपको बताया कि अगर n मालूम है तो ऑर्बिटल डायरेक्ट N² डैट इज 5 का स्क्वायर, डैट इज 25। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन में अगर N5 है, M1 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो अगेन ध्यान से देखो, N5 है और M1 वाला लेना, प्लस 1 वाला, तो N5 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 तक, इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि M1 आना चाहिए राइट, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें आ जाएंगे चार में, चूँकि M+1 है राइट, तो वो हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो हर घर में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चार ऑर्बिटल हो गए, तो इलेक्ट्रॉन इस केस में कितना हो जाएगा, 8। और इस केस में N2, L1, M-1, S-1, चूँकि चारों क्वांटम नंबर फिक्स कर दिए, तो ऐसे केस में एक ही पॉसिबिलिटी है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8.1। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, अब आप सारे PYQ प्रॉब्लम को कर सकते हो, ये टोटल 7 प्रॉब्लम भी PYQ ही थे, जिसको मैंने सिंपल अपने इजी ट्रिक से आपको करके बताया है। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा, वो सबसेल के शेप, नोड एंड उसके ग्राफ से रिलेटेड होगा, और इस ट्रिक से आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे एंड करेक्टली भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक या कंसेप्ट नंबर 1 के बारे में। तो देखो, अगर एजीमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स हो गई, तो उससे सबसेल भी क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। अगर कहीं पे एजीमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, तो डेफिनेटली वो एस सबसेल होगा, डजंट मैटर कि वो किस सेल में है, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो एंड सो ऑन, कोई भी s हो, अगर s सबसेल है तो
एल फिक्स है 0, राइट। और इसका जो शेप होता है वो एस्फेरिकल होता है। प्रैक्टिकल फीलिंग के लिए आप समझ सकते हो फुटबॉल या क्रिकेट बॉल टाइप का इसका शेप होता है, राइट। ये शेप का क्या मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर रीजन है, एरिया है जिस टाइप में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका एस्फेरिकल रीजन होता है, राइट, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है। चूँकि आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो है वो हर डायरेक्शन में फैला हुआ है, तो ये सारे डायरेक्शन में है, इसलिए हम इस शेप को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। ये नॉन डायरेक्शनल है या डायरेक्शन लेस है इन नेचर में। रही बात नोडल प्लेन की, तो नोडल प्लेन क्या है वो भी क्लियरली समझ लो कि एक ऐसा प्लेन जिससे आप कट करो अगर इसको, तो इसका शेडेड पार्ट, शेडेड एरिया उस प्लेन पे नहीं आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं किसी भी प्लेन से कट करूँ तो उस पर शेडेड पार्ट आएगा ही, राइट। 360 पे मैं इसको घुमा रहा हूँ तो इस पर शेडेड पार्ट आएगा ही, चाहे कैसे भी कर लूँ। इसलिए नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे नोडल प्लेन हो जाएंगे 0। वेरी सिंपल है, राइट। क्यों? क्योंकि आप फुटबॉल लो, उसको कैसे भी कट करो, उस पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा ही। सिमिलरली अगर कहीं पे L की वैल्यू 1 होती है तो उससे फिक्स हो गया कि वो P सबशेल है। उस सबशेल का नाम क्या हो जाएगा, P। नेचर में उसका शेप कैसा है, डंबल टाइप, डंबल टाइप है, राइट, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है। चूँकि विनो के जो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, राइट, 3 घर होते हैं, इसमें यूनो एक ही घर होता है, तो एक का नाम पी एक्स, एक का नाम पी वाई, एक का नाम पी जेड। डैट मीन्स ये ऑन द एक्सिस पे होते हैं, एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। अगर मैं पी एक्स बोलूँगा तो वो एक्स एक्सिस पे उसके डंबल शेप होंगे। डैट मीन्स ये जो शेडेड रीजन मैंने बताया, यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, राइट। सिमिलरली पी वाई बोलेंगे तो वाई एक्सिस पे होगा वो, और पी जेड बोलेंगे तो जेड एक्सिस पे। चूँकि ये बोर्ड है मैं दिखा नहीं सकता, एक्चुअली जेड एक्सिस ऐसे होंगे, राइट, और इसके अप एंड डाउन में, बोर्ड के प्लेन के अप एंड डाउन में ये ऑर्बिटल है। क्लियर है पॉइंट? तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ध्यान से देखो तो इन सब में एक एक नोडल प्लेन होगा। जैसे एक्स के लिए बात करें तो ये वाई जेड एक नोडल प्लेन है, वाई के लिए बात करें तो ये एक्स जेड एक नोडल प्लेन है। क्यों? क्योंकि इसे मैं कट करूँगा तो ध्यान से देखो इस पर शेडेड पार्ट नहीं आ रहा है, राइट। और जेड के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स वाई होगा नोडल प्लेन, राइट। तो हर एक के लिए एक एक नोडल प्लेन है। याद कैसे रखेंगे, वेरी सिंपल, अगर पी एक्स है तो इसका नोडल प्लेन कौन हो जाएगा, एक्स को छोड़ करके, डैट इज वाई जेड। अगर पी वाई है तो इसका नोडल प्लेन कौन हो जाएगा, वाई को छोड़ करके, डैट इज एक्स जेड। और अगर पी जेड है तो इसका नोडल प्लेन कौन हो जाएगा, जेड को छोड़ करके, डैट इज एक्स वाई। तो वेरी सिंपल है, नोडल प्लेन कौन होंगे, कितने नोडल प्लेन होंगे, ये सब पूछा जा सकता है। इसके जो ऑर्बिटल हैं, जैसे इसका शेप है, वो किस पे, ऑन द एक्सिस पे, राइट। तो सिंपल है ये। नेक्स्ट हमारा जो है कि अगर L की वैल्यू 2 होता है तो वो फिक्स हो गया, डैट इज D सबशेल है वो। और वी नो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 घर होते हैं, राइट। तो इसलिए इसका जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है। डैट मीन्स पी एक्स या पी वाई, पी जेड जैसा होगा, लेकिन इसमें एक डंबल है, उसमें डबल डंबल होते हैं। तो टोटल जो 5 ऑर्बिटल हैं उसमें से 2 ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस हैं, एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, और 3 ऑर्बिटल जो है वो इन बिटवीन द एक्सिस हैं। ऑन द एक्सिस वाले कौन है, एक है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एक्स वाई एक्सिस पे, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई एक्सिस पे। तो इसलिए ध्यान से देखो एक्स वाई एक्सिस पे हमने दिखाया डबल डंबल है ये, राइट। एक होता है डी जेड स्क्वायर, तो जेड एक्सिस पे उसका एक डंबल रहेगा, और उसके बाद इसके चारों ओर एक रिंग बनी होती है। लाइक सपोज करो अगर ये हमारा डंबल टाइप है तो इसके चारों ओर इस टाइप से एक रिंग होगी, राइट। तो इसलिए इसका नाम है डी जेड स्क्वायर, और ये दोनों ऑन द एक्सिस पे हो गए। ये कौन से एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस पे, और ये जेड एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इन बिटवीन द एक्सिस वाले 3 हैं, राइट, बॉन्डिंग में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ये काम आता है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो जैसे अगर मैं डी एक्स वाई बोलूँ तो इसका मतलब वो एक्स वाई एक्सिस के बीच है, इसलिए यहाँ पे मैंने दिखाया एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस, और उनके बीच में दिखाना है 45 डिग्री एंगल पे, तो डी एक्स वाई हो जाएगा। सिमिलरली डी वाई जेड बोलेंगे तो वाई जेड एक्सिस के बीच में होगा वो, और डी एक्स जेड बोलेंगे तो एक्स जेड एक्सिस के बीच में होंगे, राइट। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन से मैंने एक दिखाया, एक्चुअली में तीनों हैं, शेप बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, सिर्फ एक्सिस चेंज हो जाएगी। क्लियर है? अगर नोडल प्लेन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपके पास 2 नोडल प्लेन आएंगे, एक देखो ये 45 डिग्री एंगल पे एक्स वाई के बीच में, और एक ये, राइट, क्योंकि इस प्लेन से अगर मैं कट कर रहा हूँ तो इस पर कोई भी इसका शेडेड पार्ट नहीं आ रहा है, तो इसमें नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, 2।
इसमें नोडल प्लेन हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि आप कैसे भी कट कर लो, एक रिंग है चारों ओर से, राइट, तो वो रिंग वाला पार्ट इस पर आएगा ही, चाहे आप कैसे भी कट कर लो, राइट। तो इसलिए इसमें नोडल प्लेन है जीरो। इसमें अगेन नोडल प्लेन आपके दो जाएंगे, एक ये वाला आप देख सकते हो और एक ये वाला, राइट। तो इन सब में नोडल प्लेन कितने हैं? टू टू टू, राइट। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि डी सबसेल में नोडल प्लेन कितने हैं, तो आपको बोलना है टू, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर उसमें जीरो है, राइट। तो यहाँ से एक और पॉइंट यहाँ पे समझना है आपको कि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि नोडल प्लेन उतना ही होगा जितना एल की वैल्यू होगी। जैसे देखो एस में एल की वैल्यू जीरो थी, नोडल प्लेन भी जीरो था, राइट, डेट इज एजीमेथल क्वांटम नंबर के बराबर होगा। पी में एल की वैल्यू वन थी, नोडल प्लेन हर एक के पास एक था। डी में एल की वैल्यू टू थी, नोडल प्लेन टू था, राइट। तो ये हम कह सकते हैं, बट कंडीशन ध्यान रखना है डी जेड स्क्वायर जो अभी समझा आपको, चूंकि चारों तरफ से एक रिंग टाइप का है तो उसमें नोडल प्लेन जीरो है, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, राइट। और एस में भी तो नोडल प्लेन जो है जो कि फार्मूला ही अप्लाई हो रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी कैन से कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू एजीमिथल क्वांटम नंबर एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, उसमें ये नहीं लग रहा है। और अगर इसमें इसका नोडल प्लेन पूछा जाए डी एक्स वाई का, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई यूज हो गया, राइट, तो जेड बचा हुआ है, तो एक्स वाई को जेड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो डी एक्स वाई का अगर मुझे नोडल प्लेन बताना हो, तो एक बार एक्स के साथ जेड और एक बार वाई के साथ जेड, एक्स जेड और वाई जेड प्लेन जो हो जाएंगे इसके नोडल प्लेन हो जाएंगे। कैसे, ध्यान से देखो, ये एक्स जेड एक नोडल प्लेन और ये एक वाई जेड एक नोडल प्लेन। वैसे ही डी वाई जेड में मिसिंग कौन है, x मिसिंग है, तो एक एक्स वाई हो जाएगा, एक एक्स जेड हो जाएगा। वैसे डी एक्स जेड में मिसिंग कौन है, y, तो एक एक्स वाई हो जाएगा और एक वाई जेड नोडल प्लेन हो जाएंगे। इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। आपको क्या करेगा, इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है, आपको पाँच छः ऑर्बिटल दे देंगे, कौन एक्सिस पे लाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पी एक्स ऑन द एक्सिस है, राइट, पी वाई भी ऑन द एक्सिस है, पी जेड ऑन द एक्सिस है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑन द एक्सिस है, डी जेड स्क्वायर ऑन द एक्सिस है। तो ये पांच ऑर्बिटल हैं जो ऑन द एक्सिस हैं। कौन इन बिटवीन द एक्सिस हैं, तो ये तीन डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे भी गए और पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नोड, राइट। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड जिसको आर एन से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, एक होता है एंगुलर नोड ए एन से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नोड। इसलिए टोटल नोड किसके बराबर हो जाएगा, एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, राइट। तो अगर कहीं पे हमें रेडियल नोड निकालना हो, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n माइनस एजीमिथल क्वांटम नंबर l माइनस वन, राइट। और इसको कैसे पहचानेंगे, सिंपल देखो 4s अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आगे का जो नंबर है वो आपका n को बताता है, राइट। और s अभी बताया कि s बोलते ही l की वैल्यू फिक्स हो गई, डेट इज जीरो। P बोलते ही L की वैल्यू 1, D बोलते ही L की वैल्यू 2 एंड सो ऑन, और ये एक फिक्स नंबर है 1। तो यहाँ से आप रेडियल नोड निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। एंगुलर नोड बहुत ही ईजी है, डैट इज ओनली डिपेंड ऑन एजीमिथल क्वांटम नंबर, डैट इज L पे डिपेंड करता है। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल नोड आ जाएगा, डैट इज n माइनस 1। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो ध्यान दें, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ये एजीमिथल क्वांटम नंबर पे, और ये दोनों पे डिपेंड करता है, राइट। इस पे बेस क्वेश्चन कई बार पूछे गए और कैसे पूछे जा सकते हैं, तो वो यहाँ देखें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन चार ऑप्शन में किसके पास दो रेडियल नोड है और दो एंगुलर नोड है। तो रेडियल नोड आप कैसे निकालेंगे, अगर इसका निकालना हो तो अभी बताया 5 माइनस डी के लिए एल की वैल्यू फिक्स हो गई, डैट इज 2 माइनस 1, तो कितना आ गया ये 2, राइट। तो दो रेडियल नोड आ रहा है। एंगुलर नोड डायरेक्ट एल की वैल्यू, डी के लिए एल की वैल्यू होता है 2, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएंगे। एग्जाम में अगर आता तो सबसे पहले आप एंगुलर नोड पे अटैक क्या करो, क्यों, क्योंकि एंगुलर नोड एक ही नंबर पे डिपेंड कर रहा है, डैट इज एजीमिथल। तो डी के लिए ही एल की वैल्यू 2 होती है, राइट, क्योंकि आगे के नंबर से एंगुलर नोड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो 5 हो 6 हो 7 हो, राइट। तो इसलिए ये दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही आउट हो जाते हैं। अब इन दोनों में से कोई चुनना था, तो अब आप रेडियल नोड निकाल करके बता सकते हैं कि ए होगा या बी, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर n 4 है m माइनस 3 है तो नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो ध्यान से देखो, अगर m माइनस 3 हो रहा है तो ये कब हो सकता है, जब l की वैल्यू 3 हो, क्योंकि l 3 होगा तभी m माइनस 3 टू प्लस 3 हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये कौन हो गया, 4f, क्योंकि L की वैल्यू 3 है तो वो F होगा और N 4 है। तो अब हमसे रेडियल नोड, तो 4 माइनस F के लिए 3 माइनस 1, तो कितना हो गया 0, तो आंसर हो जाएगा 0।
सिमिलरली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंगुलर नोट जीरो होना चाहिए, रेडियन नोट टू, अगेन वही वैसा ही टाइप। तो एंगुलर नोट जीरो होना चाहिए मतलब एस वाला होगा, तो ये हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन गया। और रेडियन नोट टू तो ये वाला होगा, क्यों? क्योंकि थ्री माइनस जीरो माइनस वन तभी आएगा टू। तो इस टाइप से पी वाई क्यू में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में, 4D में पूछा गया कि रेडियन नोड और एंगुलर नोड कितने होंगे रेस्पेक्टिवली। तो हमने बोला कि जब भी एंगुलर नोड आए तो पहले उस पर ही अटैक करो। एंगुलर नोड इसका डी, एल की वैल्यू हो गई 2, तो 2 होना चाहिए, राइट? तो ये 2 वाले हैं, ये 2 वाले हैं, राइट? तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गए। इस टाइप से आपको अप्रोच करना है। और रही बात रेडियन नोड की, तो 4 माइनस 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि अगर ये 5 ऑर्बिटल आपको दूं तो कितने ऑर्बिटल में रेडियन नोड 5 होगा। अब यहाँ पे रेडियन नोड पूछा गया तो 7s में क्या हो जाएगा, 7 माइनस 0 माइनस 1 डेट इज 6, राइट? तो ये नहीं होगा। 7p में कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 माइनस 1 तो डेट इज 5, तो इसमें हो जाएंगे। 6s में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 6 माइनस 0 माइनस 1 डेट इज 5, तो इसमें भी हो जाएंगे। 8p में ध्यान से देखो, 8 माइनस 1 माइनस 1 तो कितना 6 हुआ, तो इसमें नहीं होगा। 8d में देखो, 8 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो इसमें हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट मोमेंटम। तो मोमेंटम दो टाइप के हैं, एक है एंगुलर मोमेंटम और एक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो दोनों में फर्क है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, राइट? एन टाइम्स ऑफ हेच अपॉन 2π, ये एक फिक्स वैल्यू हो गई, क्योंकि हेच की वैल्यू फिक्स है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 2 एक फिक्स नंबर हो गया, पाई 3.14, राइट? तो इस नंबर का इंटीजर मल्टीपुल होगा, डेट इज एंगुलर मोमेंटम, राइट? और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो ऑर्बिटल डेट इज एजिमिथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, और रूट अंडर ऑफ एल इंटू एल प्लस 1, ये रूट के अंडर में है इतना, और ये हेच अपॉन 2π बाहर में है, राइट? इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर ऑफ एल इंटू एल प्लस 1, और जो हेच अपॉन 2π है उसको हेच कट से भी दिखाते हैं, तो एक ही बात है, हेच को इस टाइप से कर देंगे तो ये हेच अपॉन 2π के बराबर है, राइट? तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ एजिमिथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, और एंगुलर मोमेंटम, ध्यान दें इसमें ऑर्बिटल वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो इस टाइप से फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट। तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑर्बिट या शेल से मतलब है, तो फिफ्थ ऑर्बिट मतलब फिफ्थ शेल के बारे में, तो क्या हो जाएगा, 5 times of h upon 2π, जिसको आप कितना लिख सकते हो, 2.5 h/π, डेट इज ऑप्शन डी, राइट? इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, सिंपल, और पूछे गए। सिमिलरली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में तो आपको सोचना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे ही s के बारे में बात हो रहा है तो l की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो s के लिए फिक्स है कि वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, चाहे वो 3s हो, 4s हो, 5s हो, 2s हो, कोई भी s हो, राइट? यहाँ पे आगे नंबर कुछ भी हो डजेंट मैटर, वैसे यहाँ पे आगे नंबर कुछ भी हो डजेंट मैटर, यहाँ पे आगे नंबर कुछ भी हो डजेंट मैटर, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजिमिथल पे डिपेंड कर रहा है। p अगर होगा तो उसके लिए l की वैल्यू 1 है, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ h अपॉन 2π हो जाएगा, जिसको आप रूट 2 से कैंसिल भी कर सकते हो, तो h अपॉन रूट 2π ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट? सिमिलरली डी होगा तो एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो रूट 6 टाइम्स ऑफ हेच कट मतलब हेच अपॉन 2π। तो वेरी सिंपल है, ध्यान रखना, कई बार पूछे गए। नाउ नेक्स्ट ट्रिक या कंसेप्ट 4। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा। तो वेरी सिंपल है, उसके लिए रफ़ी सर का सिंपल ट्रिक है, आप कैसे पहचानेंगे, तो जितना भी कट या टच हो रहा है एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ कट या टच ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियल नोड, ये अभी आपको निकालना बता दिया है। रेडियल नोड आप निकालेंगे, उससे पता लग जाएगा कि वो कितना बार एक्स एक्सिस को टच या कट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एस सब सेल का जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का रहेगा, तो इस टाइप का, ऑलवेज अप से शुरू होगा और डाउन में ख़त्म होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक बार भी टच नहीं है, तो इसलिए ये कौन हो सकता है, 1s का। कैसे? तो इसका रेडियल नोड निकालो, 1 माइनस 0 माइनस 1 तो 0 हो गया। 0 इंडिकेट क्या कर रहा है कि एक्स एक्सिस को एक भी बार टच या कट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए ये 1s का ग्राफ है, ये भी 1s का है, ये भी 1s का, ऐसे हम पहचान सकते हैं। ध्यान रहे कि एक
ये जो साई है ये वेव फंक्शन या ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। चूँकि स्क्वायर कर दिया है तो जो भी नीचे का पार्ट होगा वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए ऑलवेज ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाइक करेंगे। और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक होता है, डैट इज़ नथिंग बट कि आपने 4πr² से मल्टीप्लाई कर दिया साई स्क्वायर आर में, तो ये भी ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये पता करना हो कि ये कौन से ऑर्बिटल का है, तो राइट अप से स्टार्ट हो रहा है तो एस का होगा, ये बात क्लियर हो गया। अब एस में कौन सा होगा तो ध्यान से देखो कट कितना कर रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, दो कट कर रहा है, इसका मतलब ये 3s ऑर्बिटल का होगा। कैसे, तो आप रेडियन नोड निकालें तो कितना आ जाएगा 3 - 0 - 1 डैट इज 2। तो 2 क्या बता रहा है कि दो बार कट होना चाहिए एक्स एक्सिस पे, तो चूंकि दो बार कर रहा है इसलिए ये 3s का ग्राफ है। या यहाँ पे देखो दो बार टच कर रहा है चूंकि स्क्वायर कर दिया है तो अब नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो दो बार ये टच कर रहा है इसलिए ये भी 3s का है, ये भी दो बार टच कर रहे हैं तो ये भी 3s का है। तो एक्स एक्सिस को कितना कट या टच कर रहा है उससे आप पता लगा लेंगे। यहाँ पर जो ध्यान देना है कि जब सिर्फ वेव फंक्शन हो तो वो निगेटिव में हो सकता है, जब स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव में रहेगा, और धीरे धीरे हार्ट बीट को कम करते जाना है। वेरी सिंपल है बनाना, ऊपर से देखो धीरे धीरे हार्ट बीट को कम करते जाना है, और ई वाला जो है डेट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसमें धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जो ECG ग्राफ आप देखते हो ना वैसा ही टाइप है, धीरे धीरे पीक को बढ़ाते जाना है, क्लियर है। वैसे ही पी का ग्राफ कैसा रहेगा, तो 1p तो होता नहीं है, राइट 2p से स्टार्ट होता है, तो 2p में देखो n2 - 1 - 1 डेट इज 0, तो 2p में एक भी कट नहीं आना चाहिए। तो ध्यान से देखो इन तीनों में एक भी x एक्सिस पे कट या टच नहीं है, इसलिए ये किसका ग्राफ है 2p का। अगर मुझे इसका पता करना हो ये किसका है, तो देखो डाउन से स्टार्ट हो रहा है तो पी वाला होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ध्यान से देखो 1, 2, 3 बार ये कर रहा है, इसका मतलब आपको रेडियल नोड कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। 3 कब आ सकता है, जब 5 - 1 - 1 होगा, तो ये एक्चुअली में क्या होना चाहिए 5p होगा। तो ध्यान से देखो 5l1 हो गया -1 डैट इज 5 - 2 डैट इज 3, तो ये 5p का ग्राफ होगा। यहाँ भी आप देख सकते हो 3 बार टच है तो ये भी 5p का है, ये उसी का ग्राफ है, और यहाँ पे भी ये 3 बार टच है तो ये 5p का है। तो वेरी सिंपल ट्रिक है। अब आई होप कोई भी ग्राफ दे दे तो आप पहचान लोगे कि वो किसका है, या आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप बता सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जितना बार कट या टच कर रहा है उससे रेडियल नोड के अकॉर्डिंग आप पता कर लेंगे कि कौन सा होगा। हमारे सिलेबस में एस और पी का ग्राफ है इसलिए हमने उसकी बात की है। और एक पॉइंट का ध्यान रखना, जब साई स्क्वायर लेंगे तो धीरे धीरे हार्ट बीट को कम करते जाना है, और जब वो लेंगे तो धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, ये पॉइंट का ध्यान रखना। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ करके दे दे और आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन आर मोर लाइकली टू फाउंड, तो जहाँ पे पीक पॉइंट होगा वहाँ पे मिलते हैं, राइट। कर्व का मतलब यह है कि वहाँ पे वो ज़्यादा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो पॉइंट ए पॉइंट सी, तो डैट मीन रीजन ए और सी में मोर लाइकली है कि इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ जाते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैन बी 0 फॉर 1s ऑर्बिटल एंड सो ऑन ऑप्शन गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे थिंक ही नहीं कर पाते हैं। वेरी सिंपल है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 किसके लिए होगा किसके लिए नहीं होगा, तो हमने बताया कि आप रेडियन नोड निकाल लें, तो 1s के लिए रेडियन नोड कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो n - l - 1 से 1 - 0 - 1 डैट इज 0। 0 बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस को एक भी बार कट या टच नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली निगेटिव, तो निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये साई स्क्वायर आर है, ये फंक्शन का स्क्वायर है तो ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो निगेटिव नहीं हो सकता। 0 फॉर 3p ऑर्बिटल, तो 3p के लिए निकालो n - 1 - 1 तो डैट इज 1। 1 क्या बता रहा है कि एक बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, जिसका मतलब वहाँ पे 0 हो जाएंगे, तो इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा। नेवर 0 फॉर 2s ऑर्बिटल, तो 2s के लिए निकालते तो 2 - 0 - 1 डैट इज 1, तो यहाँ पे एक बार 0 होगा जबकि नेवर बोल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो रेडियल नोड आप निकाल लेंगे, रेडियल नोड की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कितनी बार 0 होगा या नहीं होगा। अगर रेडियल नेट की वैल्यू 0 है मतलब एक भी बार वो एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करेगा, 1 होगा तो एक बार, 2 होगा तो 2 बार, 3 होगा तो 3 बार, वेरी सिंपल।
और क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन को देख करके बच्चे डर जाते हैं। बेटा करना कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि R इज इक्वल टू आर नॉट पे रेडियन नोड फॉर्म हो रहा है, तो आर नॉट बताओ। तो रेडियन नोड जहाँ भी फॉर्म होगा आपको ध्यान रखना है कि एट रेडियल नोड ये जो साइन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये जीरो कब हो सकता है, ध्यान से देखो, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये जीरो नहीं हो सकता, ए नॉट जीरो नहीं हो सकता, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जीरो कब होगा, जब ये जीरो होंगे, दैट मीन्स 2 - r / a0 को क्या होना पड़ेगा, जीरो। सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, बस समझना है। तो कभी भी स्टाफ से पूछे कि रेडियन नोड, तो रेडियन नोड पे फंक्शन को जीरो कर देना है, और जीरो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, यही जीरो होगा तभी जीरो हो सकता है, बाकी तो जीरो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ से आपको क्या आ रहा है, आर इज इक्वल टू 2a0, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा वो ट्रिक किसी एटम के शेल, सब शेल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे उससे रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल फीलिंग दिलाना चाहता हूँ, रीज़न बिहाइंड डैट कि एटम बहुत छोटा है, हमें नहीं दिखता है, तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर उसी को बिग स्केल पे सोचें, जो चीज़ हमारी आंखों के सामने होगा, जिस चीज़ को हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं और उससे समझेंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए रफ़ी सर ने वो कोशिश किया है कि आप क्या समझें, एटम को आप माने कि वो हमारे लिए क्या बिल्डिंग है। तो देखो माइंड में ऑलरेडी एक इम्पैक्ट बन जाता है, बिल्डिंग बोलते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि उसमें फ्लोर होंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, राइट। तो इस तरीके से हम उसको रिलेट करेंगे। तो जिस तरीके से एटम में सारी चीज़ें हैं, वैसे ही ठीक बिल्डिंग में, चूँकि एटम हमें दिखेगा नहीं, बिल्डिंग दिख जाएगा तो हम बिल्डिंग से थिंक करते हैं। तो बिल्डिंग में क्या होता है, फ्लोर होता है, राइट। तो अगर बिल्डिंग में फ्लोर होता है तो एटम में उसी को क्या बोलेंगे, शेल या ऑर्बिट। क्लियर है पॉइंट। फिर बिल्डिंग में क्या होता है, फ्लोर पे टाइप्स ऑफ फ्लोर होते हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, राइट। तो टाइप्स ऑफ फ्लोर को या टाइप्स ऑफ रूम को हम क्या बोलेंगे, सब शेल। क्लियर है पॉइंट। वैसे ही जब टाइप्स ऑफ फ्लोर होंगे, डैट मीन्स टाइप्स ऑफ रूम्स होंगे, राइट, 1 BHK, 2 BHK, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रूम्स होंगे। लाइक 1 BHK बोला तो एक माइंड में आ जाता है कि एक बेडरूम होगा और एक हॉल होगा, राइट। तो यहाँ पे ऑर्बिटल जो है हमारा वो एक्चुअली रूम्स है बिल्डिंग का, और रूम्स में कौन रहते हैं, पर्सन रहता है, तो पर्सन जो है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ये कनेक्शन एकदम प्रैक्टिकल फीलिंग आनी चाहिए, बात क्लियर है। नाउ एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि रूल क्या है कि जितना फ्लोर नंबर होगा उतने ही टाइप्स के रूम होंगे। डैट मीन्स जितना आपका शेल या ऑर्बिट नंबर है उस फ्लोर पे, उस शेल में उतने ही टाइप्स के सबसेल होंगे। जैसे मान लो कोई 5th फ्लोर पे है, 5वें फ्लोर पे अगर कोई है तो उसमें सबसेल कितने टाइप होंगे, 5 टाइप के। जितना फ्लोर नंबर उतने ही टाइप के सबसेल, जितना फ्लोर नंबर उतने ही टाइप्स के रूम। ये पॉइंट पहले क्लियर होना चाहिए। उसी चीज़ को मैंने यहाँ दिखाया, देखो फ्लोर नंबर 1, राइट, इस पे 1 है तो 1 टाइप्स के रूम होना चाहिए, डैट इज एस सबसेल होता है। फ्लोर नंबर 2, तो यहाँ पे 2 टाइप के होने चाहिए, तो एस पी, एक बार एस स्टार्ट हो गया तो फिर ऊपर के सारे फ्लोर पे मिलेगा, एक बार पी स्टार्ट हो गया तो ऊपर के सारे फ्लोर पे मिलेगा, नीचे पे नहीं मिलेगा। इसलिए 2P होता है लेकिन 2D नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड फ्लोर पे 3 सबसेल नहीं होंगे, राइट। वैसे अगर मैं 3rd फ्लोर पे जाऊँ तो 3 आया, तो 3 टाइप्स के रूम होना चाहिए, तो एक एस, एक पी, एक डी, इस तरीके से आपको जाना है। वैसे 4th फ्लोर पे अगर कोई है तो वहाँ पे 4 टाइप्स के रूम है, एस पी डी एफ। अगर वो 5th फ्लोर पे होता तो 5 टाइप के रूम होते, एस पी डी एफ जी एंड सो ऑन। तो बात समझ गए, जितना फ्लोर नंबर आपको दिखेगा, जितना सेल नंबर होगा उतने ही सबसेल होंगे, ये पॉइंट को क्लियर रखना है, राइट। नाउ हमारी बिल्डिंग की कंडीशन कैसी है, ऐसा आपको मानना है कि हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, राइट। और अगर लिफ्ट नहीं है और जो आपका पर्सन है, राइट, डेट इज इलेक्ट्रॉन, वो रूम रेंट पे लेने आया है, तो किस टाइप से रूम भरेगा आप ही सोचो। पहले जो भी पर्सन आएगा वो 1st फ्लोर पे रूम लेना चाहेगा, क्यों, ताकि कम से कम एनर्जी उसको अपना देना पड़े, राइट, क्योंकि ज़्यादा फ्लोर पे जाएगा तो चढ़ के जाना पड़ेगा स्टेप्स, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो हर कोई दुनिया में क्या चाहता है कि कम से कम एनर्जी में वो रहे, डैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी में रहे, राइट।
तो अगर हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, कोई पर्सन अगर रेंट पे रहने आया हो तो सबसे पहले वो फर्स्ट फ्लोर को चूज़ करेगा, अगर ये भर गया तो सेकेंड फ्लोर को, ये भी भर गया तो फिर थर्ड फ्लोर को, राइट। जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से भरेंगे। तो डैट इज कॉल्ड ऑफ बाऊ प्रिंसिपल, जिसको मैं प्यार से बोलूँगा भावू प्रिंसिपल। तो भाव का क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन को ऑलवेज उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में आपको फिलअप करना है, और डैट्स क्या है वो, तो वेरी सिंपल कि फर्स्ट सेल से ज़्यादा एनर्जी सेकेंड सेल, और सेल बोले तो फ्लोर, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट फ्लोर से ज़्यादा एनर्जी हमें चढ़ने में किस में लगेगा, सेकेंड फ्लोर पे, सेकेंड से ज़्यादा थर्ड, थर्ड से ज़्यादा फोर्थ एंड सो ऑन। ये अफवाह का कहना था, खत्म। नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई कि सर अगर मान लो कि 2s है 2p है तो अब इसमें किस में पहले फिलअप करें, तो ध्यान दें ये जब सिर्फ सेल होगा तो ये प्रिंसिपल लगाना है, शेल के साथ अगर सब शेल भी हो, जैसे ये 2 शेल को बता रहा है और sp सब शेल को, तो फिर हमें n प्लस l रूल लगाना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल है, n प्लस l रूल का मतलब n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमिथल क्वांटम नंबर, इन दोनों का सम करना आपको, अगर इन दोनों का सम जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, राइट। अगर कहीं पे n प्लस l का सम सेम हो जा रहा है तो फिर जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। मैं दोनों एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, इसका अगर मैं n प्लस n निकालूँ तो 2 प्लस 0 होगा, और इसका 2 प्लस 1, तो ये 2 प्लस 1 ये 3, ये ज़्यादा हो गया इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसमें ये होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरे जाएंगे फिर इसमें भरे जाएंगे। मान लो कहीं पे ऐसा आता है 4s3d, अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे, तो n प्लस l रूल, क्यों, क्योंकि s और d सबशेल लगे हुए हैं, तो n प्लस l में ये 4 प्लस 0 होगा और ये 3 प्लस 2 हो जाएंगे, तो ये 5 हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो ये एनर्जी वाइज ज़्यादा होगा, डैट मीन्स पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तब इसमें भरा जाएगा, समझ गए बात। कहीं पर अगर n प्लस l सेम हो जाता है, लाइक आप ऐसे सोचो कि 4s है, राइट, और 3p है, तो इन दोनों में, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो 4s में क्या होगा, 4 प्लस 0, राइट, और यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 1, तो दोनों का 4 हो गया, तो जब n प्लस l सेम हो जाएगा फिर उस केस में कैसे डिटरमाइन करेंगे, जिसका n ज़्यादा होगा, n किसका ज़्यादा है इसका, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए पहले 3p में इलेक्ट्रॉन भरेगा फिर 4s में। तो आई होप इस एग्जांपल से क्लियर होगा, और इससे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेटा अपने को सिर्फ प्रिंसिपल और एजिमिथल क्वांटम नंबर देखना है, बाकी कोई नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब जो ये सबशेल हैं पी या आपके डी सबशेल, राइट, जिसमें रूम्स आपको मालूम है कि पी सबसेल में 3 रूम्स हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, डी सबसेल में 5 रूम्स हैं, 5 ऑर्बिटल हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, तो उसके लिए आया हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका क्या कहना था कि जब भी इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है तो पहले सिंगल सिंगल, तो जैसे पहला इलेक्ट्रॉन भरना है P1 अगर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, अभी आप अप में भी रख सकते हो स्पिन या डाउन में भी चलेगा P1 में, जब P2 करना होगा तो अब आपको इसमें भरना होगा, इसी में नहीं भर सकते, पहले सिंगल सिंगल भरना है, राइट। अब इसमें भी भर सकते थे दूसरे वाले को, इसमें भी, डैट इज ओके फाइन, और लेकिन स्पिन जो होना चाहिए वो सेम रखना है, मैक्सिमम वर्ड इसलिए लगाया गया कि सबसे ज़्यादा वो सेम स्पिन होना चाहिए। P3 अगर होगा तो आपको फिर यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो P3 का इस तरफ से भरना आपको, राइट, तीनों देखो सेम स्पिन में, या तो तीनों को अप में रखो या तीनों को डाउन में भी आप रख सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते 2 अप 1 डाउन, ऐसा नहीं चलेगा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का यही मतलब है, राइट। अब जब चौथा आएगा तो पेयरिंग करना है, चौथा इनमें से किसी में भी जा सकता है, बट द थिंग इज कि इसका स्पिन अगर अप है तो उसका डाउन होना चाहिए, फिर पाँचवा उसके डाउन में आना चाहिए और छठा उसके डाउन में, इस टाइप से आपको भरना है। सिमिलरली अगर डी में बात करें तो पहला यहाँ पे आएगा, दूसरा फिर ऐसे, तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, राइट, सिंगल सिंगल पहले भर देना, फिर जब छठा आएगा तो अभी कहीं भी भर सकते हैं, बट डाउन स्पिन, अगर आप रखोगे तो डाउन, डाउन रखोगे तो आप, बस ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम को पहले हमें सेम स्पिन में करना है, डैट इज कॉल्ड हंट्स रूल। नाउ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, डैट्स वेरी सिंपल, इसका कहना है कि किसी भी एटम या आयन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिसका चारों क्वांटम नंबर सेम हो, ध्यान रहे ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है किसी भी एटम या आयन में, मैक्सिमम कितना सेम हो सकता है, 3 सेम हो सकता है। इस पॉइंट को भी एक से समझ लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी एटम लेता हूँ, मान लो मैं सोडियम लिया, राइट, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन का आप क्या लिखोगे, NLMS, राइट,
तो इनके कहने का क्या मतलब है कि ये 11 के 11% या ये 11 के 11 इलेक्ट्रॉन का ये चारों वैल्यू जो होगा वो डिफरेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेम हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, राइट, इस टाइप से। तो हम एक किसी एक को चेक कर लेते हैं, मान लो ये 1s2 वाले, तो 1s2 का मतलब क्या हो गया, n1, s है तो l0, m0, अगर ये प्लस हाफ होगा तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा, माइनस हाफ। तो ध्यान से देखो, मैक्सिमम 3 सेम हो सकता है लेकिन चौथा डिफरेंट हो गया। तो इस रूल का बस यही कहना था कि किसी भी एटम को आप उठा लो, 120 एलिमेंट है आपके पास, राइट, किसी भी एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा या आयंस में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का ये जो चार नंबर है ये डिफरेंट होगा। कोई भी चारों का चारों नंबर मैच नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 3 मैच कर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा हमारा ट्रिक कि आप किसी एटम के शेल में, सब शेल में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे। आपको प्रैक्टिकल फीलिंग दिला दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ ट्रिक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, तो वेरी सिंपल है। सबसे पहले आपको मालूम है कि एस सब सेल में एक ऑर्बिटल है, जिसमें हर एक ऑर्बिटल में, हर एक रूम में दो ही लोग रह सकते हैं, इसलिए एस सब सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 2, इसमें 2 ही लोग रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा फिलअप नहीं कर सकते, राइट। यूनो पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, 3 घर हैं, हर एक घर में 2 लोग, तो टोटल कितने लोग आ सकते हैं इसमें, 6, तो P सब सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 6, P में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, P7, P8 ये नहीं हो सकता, राइट, मैक्सिमम P6 हो सकता है, P5 हो सकते हैं, P4, P3 वो हो सकते हैं, राइट। सिमिलरली D सब सेल में 5 घर होते हैं, 5 ऑर्बिटल हैं, और हर एक घर में 2 ही लोग, तो कितने टोटल, 10, तो D की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा, 10। वैसे ही F सब सेल में 7 घर होते हैं और हर घर में 2 लोग, तो कितने हो गए, 14, तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी क्लियर होना चाहिए। नाउ वो ट्रिक जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं, आप कैसे इस ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे। कुछ बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, कुछ बुक में अलग तरीके से ट्रिक होता है, बट मेरा जो ट्रिक रहेगा बेटा वो वेरी यूनिक और बहुत इजी। क्या करना आपको, ध्यान से देखो, 1 से लेकर के 8 तक लिख देना। देखो ये तो वेरी सिंपल है, 1s 2s 3s एंड सो ऑन हमने लिख दिया। उसके बाद 2 छोड़ करके फिर 2 से स्टार्ट करना है। 2 से क्यों, क्योंकि यू नो सेकेंड फ्लोर पे एस होगा और पी होगा, इसलिए 2p, राइट। तो 2 छोड़ करके फिर 2p 3p 4p एंड सो ऑन कर देना। फिर वैसे ही 2 छोड़ करके, राइट, 2 रो छोड़ करके फिर से आपका यू नो थर्ड फ्लोर पे एस होगा, पी होगा, डी भी होगा, तो 3d एंड सो ऑन, फिर नीचे फिर तो लिखते जाना 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर 2 छोड़ करके ध्यान से देखो, 2 रोज हमने गैप कर दिया और फिर 4f, क्योंकि फोर्थ फ्लोर पे f भी आ जाएगा, राइट, तो ये स्टेप से लिख देना। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हर रोज का n प्लस l सेम किया है। जैसे देखो 1s में तो n प्लस l 1 ही हो गया, इस वाले में 2s में 2 प्लस 0 2 हो गया, इस वाले में देखो 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हर रोज में हमने n प्लस l को सेम कर दिया। अब आपको कैसे याद रखना, वेरी सिंपल, ऑलवेज देखो बेटा ये मेरा राइट है और ये लेफ्ट है, राइट, तो ऑलवेज आपको राइट से लेफ्ट जाना है। तो देखो राइट से लेफ्ट मैं जब जा रहा हूँ तो ये रोज पे मुझे क्या मिलेगा, 1s, तो इसलिए पहले 1s, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s की। उसके बाद ये रोज खत्म हो गया तो फिर से आपको राइट से लेफ्ट जाना है, ये नहीं कि इधर से आ जाएंगे, इधर से ही जाना, ऑलवेज ऑलवेज राइट से आपको लेफ्ट जाना, ये ध्यान रहे, राइट। तो फिर कौन मिला, 2s, इसलिए कौन आ जाएंगे एनर्जी वाइज, 2s। फिर उसके बाद ये रोज खत्म हो गया, फिर इस रोज में जाएंगे तो ऑलवेज राइट से आपको लेफ्ट जाना है, तो कौन मिला पहले, 2p, तो 2p आ जाएंगे। फिर कौन मिला, 3s, तो फिर 3s आ जाएंगे। फिर वो रोज खत्म हो गया तो फिर इस पे आ जाओ, राइट, ऑलवेज राइट से लेफ्ट जाना है, तो कौन मिला, 3p, तो 3p आ जाएगा। फिर कौन मिला, 4s, तो 4s आ जाएंगे, राइट, वेरी सिंपल है। फिर इस रोज पे आ जाओ आप, राइट, तो राइट से लेफ्ट जाना है तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 3d, तो फिर आपका कौन आ जाएगा, 3d। फिर 4p, तो फिर 4p, फिर 5s, तो फिर 5s, तो वेरी सिंपल है एंड सोन, राइट। तो ये ऑर्डर को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमने सिंपल ट्रिक दिया है, उससे आप कर सकते हैं। दूसरा एक और ट्रिक दे रखा है n प्लस l वैल्यू से, जैसे प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, यहाँ पे 4s एंड 3d में, तो 4s में n प्लस l आपको मालूम है 4 प्लस 0 है, जबकि 3d में 3 प्लस 2 5, तो उसका ज़्यादा हो गया, इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो वेरी सिंपल है, आप इस ऑर्डर को याद रख सकते हैं।
नाउ किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर आपको दे देगा। 11 का मतलब कि 11 पर्सन हो गए जिसको आपको रूम रेंट पे देना है, उसको उसके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो पहले सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में। कितने s में मैक्सिमम, 2, राइट। अभी भी कितने लोग को भरना है, 9 लोग को, क्योंकि 2 ही अभी ऑक्यूपाई हुआ, राइट। टोटल 11 पर्सन है। फिर 2s में, फिर मैक्सिमम उसमें कितना जा सकता है, 2 ही, एस का फिक्स है तो 2। तो अभी टोटल आपने 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लिया, राइट। अभी भी 7% बाकी हैं, तो और आगे जाओ। फिर 2p आता है, 2p में कितना मैक्सिमम, 6, राइट। तो 10 लोग हो गए। और फिर उसके बाद 3s, चूँकि हमें 11 ही परसेंट बढ़ना है तो इसमें फिर एक ही रहेगा। दिस इज मैक्सिमम कैपेसिटी, राइट। लास्ट में आपको देखना पड़ेगा कि फाइनली बचा कितना। तो ये हो गया आपका सोडियम का। वैसे मान लो मुझे निकल 28 का लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6, राइट। उसके बाद फिर 3s2, यहाँ तक 12 हो गए। फिर 3p6 18 हो गए, राइट। उसके बाद 4s2 तो 20 हो गया। फिर 3d 20 हो गया, और हमें 28 ही करना है। d में वैसे मैक्सिमम 10 जा सकता है, लेकिन अभी 8 ही लोग बचे तो यहाँ दे देना, लास्ट में जितना बचेगा वो उसमें चला जाएगा, राइट। सिमिलरली इसको एक कंडेंस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, डैट मीन्स इसका नियरेस्ट नोबल गैस, जैसे सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन हो गया, नियॉन, और नियॉन तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होती। तो आप कैसे लिख सकते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ne कर करके ऐसे, और लास्ट वाला जो बच जाएगा वो तो 3s1। सिमिलरली अगर मुझे इसका लिखना हो तो ये ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर मुझे निकेल का लिखना होता तो कैसे लिखते, आर्गन नियरेस्ट नोबल गैस, डैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, बाकी जो बचा वो लिख देना 4s2 3d8। तो दिस इज कॉल्ड कंडेंस फॉर्म, तो ऐसे भी दिया जा सकता है, राइट। तो यहीं से हमें एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि देखो, जो अल्कली मेटल होंगे फर्स्ट ग्रुप वाले, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1, डैट मीन्स फर्स्ट पीरियड का होगा तो 1s1, सेकेंड पीरियड का होगा तो 2s1, थर्ड पीरियड होगा तो 3s1 एंड सो ऑन। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले ns2 हो जाएंगे, राइट। वेरी सिंपल, वेयर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पीरियड नंबर को। 13 ग्रुप वाले पी ब्लॉक वाले में, 13 ग्रुप वाले में s में 2, ns में और उसी np में 1, राइट। जैसे एल्युमिनियम का लिखना होता है तो क्या जाता है, 3s2 3p1। तो देखो s के आगे जितना रहा, p के आगे भी, बट s में 2 होंगे और p में आप फिलअप होते जाएंगे। तो p में 1 होगा तो 13, p में 2 हुआ तो 14। कैसे, क्योंकि s में 2 ऑलरेडी हैं ही, तो 2 2 4, और 4 का 14 का 4 ले लेना है। 10 एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि यू नो बीच में d आते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन भर गए होंगे, राइट। सिमिलरली 15 का होगा तो देखो 2 और 3 5, राइट। तो s में 2, p में 3, 16 का 6 है तो 2 और 4 6, ऐसे भी आप कर सकते हो। जितना s के आगे नंबर होगा उतना ही p के, 17 का ns2 np5 और 18 का ns2 np6। सिमिलरली d वाले का कैसे करेंगे, तो ऑलरेडी d एंड f ब्लॉक में हमने इसका पूरा ट्रिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बता रखा हूँ। जैसे यहाँ पे ये कि s में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और जितना s के आगे नंबर होगा उससे एक कम d के आगे नंबर होगा, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे 4s होगा तो यहाँ पे 3d होगा, यहाँ पे 5s होगा तो यहाँ पे 4d होगा, और d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, राइट। क्योंकि d की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 10। वैसे ही f का भरना होगा तो s में 2 फिक्स हैं, राइट। जितना s के आगे नंबर होगा उससे एक कम d होगा, और उससे 2 कम f होंगे। डैट मीन्स अगर मान लो n की वैल्यू 6 है, 6s है, तो ये 5d रहेगा और ये 4f रहेंगे, ये कहने का मतलब है। और d में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और f में 1 से 14 बढ़ जाएंगे। इसका पूरा हम डिटेल डिस्कशन d एंड f में कर रखें। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली कर सकते हो। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब आपको आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकालना, s से, जो आउटर मोस्ट होगा s सबसेल से पहले निकालना, राइट। जब s से निकल जाएगा तो फिर आपको d या p से निकालना होगा, या d से निकल जाएगा तब आपको f से निकालना होगा। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे पहले आपको लास्ट शेल, और लास्ट शेल में भी किससे पहले, s से निकालना है। s से जब निकल जाएगा तो फिर d से, फिर f से। इसलिए हमने आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो भी d एंड f में बता रखा आपको। नाउ अप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 1 में इस टाइप से आपको n, l और m और s की भी वैल्यू दे सकता है एनर्जी ऑर्डर। तो देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, आपको सिर्फ किससे मतलब है, n और l वैल्यू से। n प्लस l इसका निकालो तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 0 डेट इज 3,
राइट। इसका कितना हो जाएगा 4+0 डेट इज 4, इसका कितना हो जाएगा 3+1 डेट इज 4, इसका कितना जाएगा 3+2 डेट इज 5। आपको बता रखा हूँ जिसका n प्लस l ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कौन है 5 वाले, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी d के रहेगा। फिर ये दोनों का सेम हो गया, तो जब n प्लस l सेम हो जाए तो जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, राइट। तो फिर b होंगे, फिर c होगा, फिर लास्ट में ये हो गया एनर्जी ऑर्डर। इस टाइप के कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत की जरूरत नहीं, डायरेक्ट n प्लस l जोड़ो, जिसका ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, n प्लस l सेम हो जाएगा तो जिसका फिर n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ध्यान दें मैग्नेटिक m वाला, ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जेड एन प्लस आयन। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आर्गन 18, राइट, 4s2 20 डायरेक्ट लिखा हूं मैं, और 3d 10 30, राइट। आउटर अभी बताया था आपको, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा आयन से तो पहले s से, तो s से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या हो जाएगा, आर्गन 4s1 3d 10, ये है आउटर मोस्ट, क्योंकि ये 4 सेल में, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s है, तो s के लिए l की वैल्यू 0, और l की वैल्यू अगर 0 तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जर्मेनियम है 32 एटॉमिक नंबर, x कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है विथ m 0, तो x क्या होगा, कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जो कम्प्लीटली फिल्ड है और उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो डेफिनेटली किस किस में हो सकता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया, 4s2 20 3d 10 30 और 4p1 डेट इज 4p2 डेट इज 32। तो आप ध्यान से देखो, इसमें हो जाएगा कम्प्लीटली फिल्ड है और m 0, इसमें भी हो जाएंगे, राइट, s कम्प्लीटली फिल्ड है और m 0 हो जाएगा, p में एक ऐसा होगा क्योंकि वी नो p में तीन घर होते हैं, एक -1 0 1, तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 होगी, तो इसमें भी एक ऑर्बिटल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें और इसमें भी एक होगा, राइट, क्योंकि d में भी एक 0 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 7 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो कम्प्लीटली फिल्ड है और उसका m 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में एजीमिथल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम प्लस, तो राइट एटॉमिक नंबर गिवन है 31, तो अभी आपको बताया आर्गन 18, 4s2 20 हो गया, 3d 10 30 हो गया, राइट, और 4p1 31 प्लस है, तो सबसे पहले आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना, राइट, आउटर मोस्ट कौन हो गया, फोर्थ वाले, और sp में p की ज़्यादा एनर्जी है तो पहले इससे निकाल देना है, तो गैलियम प्लस हो जाएगा, तो आर्गन 4s2 3d 10, ध्यान रहे पहले आपको आउटर मोशन निकालना है, वैसे आपको पता रखा हूँ ये 13 ग्रुप का है, तो NS2 NP1 ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, पहले यहाँ से निकलेंगे, फिर S से निकलेंगे, फिर D से निकलते, राइट, तो ये हो गया। अब गैलियम प्लस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन हो गया, लास्ट शेल वाला S, और इसके लिए किसकी एजीमिथल, S के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, तो इस टाइप से आपको फंसाया जाएगा, तो ध्यान से देखना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0, क्यों, क्योंकि एजीमिथल क्वांटम नंबर चाहिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल के लास्ट शेल कौन है, फोर्थ, क्योंकि थर्ड तो इनर वाला शेल हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 पीरियड ऑर्बिटल डेट आर फील्ड, 6 पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल, तो ध्यान से देखो 6 पीरियड में जो भी होंगे ऑर्बिटल फील्ड, तो ऑब्वियस सी बात है 5f वाले तो नहीं हो सकते, राइट, क्यों, क्योंकि 5f वाले किस में, 7th पीरियड में आते हैं, राइट, और वो फिल होते हैं, और ये 6f तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो ये सब ऑप्शन आपका गया, तो ये हो सकते हैं, क्योंकि 6 पीरियड में 4f आएंगे, राइट, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे आपको कि इसका एनर्जी ऑर्डर बताओ, तो वही सेम पॉइंट, n प्लस n निकालो क्विकली, 6+0 है ये, 6+1 है, 4+3 है, 5+2 है, राइट, तो ये 6 हो गया आपको, ये आपका 7 है, ये भी 7 है, और ये भी 7 है, राइट, तो सबसे कम n प्लस l ये है, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भले जाएंगे, डेट मीन्स इसकी एनर्जी कम होगी, तो 6s से ज़्यादा एनर्जी, अब जब n प्लस l सेम हो जाए तो जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, राइट, तो इसका मतलब जिसका n कम उसकी एनर्जी कम होगी, राइट, तो 6s के बाद किस में भरेंगे, 4f में, 4f के बाद आप किस में भरेंगे, 5d में, 5d के बाद आप किस में भरेंगे, 6s में, तो ये आपका एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा कि इस टाइप से आपको भरना है।
नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पर अगर ये वर्ड आ रहा है डी जेनरेट ऑर्बिटल, डैट मीन्स वैसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम होगी उसको बोलते हैं। और आप कैसे पहचानेंगे, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमिथल क्वांटम नंबर एन और एल सेम होगा, बट एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये 3p है, तो विनो की p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीन रूम, तो ये जो है वो डी जनरेट है क्योंकि इनकी इनकी और इनकी एनर्जी सेम है। तो आप ध्यान से देखो, तो N3L1 तीन ऑर्बिटल का वो सेम रहेगा, बट m की वैल्यू अगर इसका -1 है तो इसका 0, इसलिए डिफरेंट होना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मैंने लिखा है कि डिफरेंट m होगा, तो आपको कैसे देगा N3L1 राइट और M0, N3L1 M-1, तो क्या ये डी जनरेट ऑर्बिटल है? यस, क्यों? क्योंकि दोनों 3p को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ये वाला होगा तो एक ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे डी जनरेट ऑर्बिटल। ध्यान रहे n प्लस l सेम होना चाहिए, m डिफरेंट होना चाहिए, राइट। वैसे ही जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिया तो ये 4d का होगा, तो n प्लस l तो सेम हो जाएगा उसका, n और l, बट m डिफरेंट होना चाहिए, तो ये सब जो है वो डी जनरेट ऑर्बिटल। एंड दूसरा डैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कहीं पर अगर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करें तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला है रूट अंडर ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, वेयर व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे अनपेयर्ड, जो सिंगल सिंगल बढ़े जाते हैं, अनपेयर्ड बोले तो जैसे मान लीजिए कि ये डी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 अनपेयर्ड है, राइट। अगर मान लीजिए ऐसे भरा हुआ है तो 4 अनपेयर्ड है, ऐसे हैं तो फिर 3 अनपेयर्ड है, सिंगल सिंगल वाले को हम बोल रहे हैं अनपेयर्ड, राइट। तो यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं पे अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लग गया कि 4 है, तो वैल्यू ऐसा नहीं कि इसमें पुट करके आप निकालेंगे, डायरेक्ट आप ऑप्शन देकर के टिक कर सकते हैं 4.89, डैट मीन्स कहने का मतलब कि 5 के क्लोज में होगा वो आंसर, राइट। इसलिए इंटीजर टाइप में पूछे तो 4 मत भर देना, 5 भरना, एक ये पॉइंट है। और ऑलवेज आपको 5 के क्लोज लेके जाना अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो जैसे 3 है तो 4 के क्लोज होगा, 3.79 समथिंग एक्स्ट्रा, राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमें म्यू दे दे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगेन इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, म्यू जो भी गिवन होगा तो डेसिमल से पहले जो इंटीजर होगा वही अनपेड इलेक्ट्रॉन को आपका बताएगा। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स मॉडल के बारे में। 90% स्टूडेंट का मानना है कि इस चैप्टर में कैलकुलेशन जो होते हैं वो बहुत बिग होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन अभी रफ़ी सर जो आपको ट्रिक्स एंड कंसेप्ट देंगे तो आप देख लोगे कि इस चैप्टर में कैलकुलेशन नहीं करना है, और करना भी है तो ईजी है, 10% करना होगा आपको। तो कैसे करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले बोर्स मॉडल आप अप्लाई कहाँ करेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, राइट। इसीलिए हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन में, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में हम नहीं लगा सकते, हीलियम प्लस, डैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन था हीलियम में, तो एक इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाल दिया तो उसमें फिर लगा सकते हैं। वैसे ही लिथियम या लिथियम प्लस में नहीं लगा सकते, लिथियम प्लस टू में, क्यों? क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। सिमिलरली बेरिलियम प्लस 3 में लगा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आप बोर्स मॉडल वहीं अप्लाई करेंगे जहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस एटम में या उस आयन में। एटम तो एक ही हाइड्रोजन में लगा सकते हैं, उसके बाद आप कैटायन में ही लगा सकते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 2, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अकॉर्डिंग टू बोर्स एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, क्वांटाइज होते हैं। इसका क्या मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम जो हो गया वो पर्टिकुलर ऑर्बिट या सेल में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो, अगर मास इंटू वेलोसिटी, ये सभी को मालूम होता है, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, जो एक लाइन पे होते हैं, राइट, वेलोसिटी। अगर सर्कुलर पाथ होगा तो रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइज मतलब कि ये h बाई 2π, राइट, ये एक फिक्स नंबर हो गया, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10^-34, 2 एक कांस्टेंट नंबर, पाई 3.14, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम 10^-34 भी लिख सकते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, ये n टाइम्स ऑफ 10^-34 हो गया। वेयर व्हाट इज n, n इज नथिंग बट किस शेल या किस ऑर्बिट में बात करो, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, एंड सो ऑन,
राइट। तो इट्स वेरी इजी, एम वी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन टू पाई। आपको एच और टू पाई की वैल्यू डायरेक्ट फिक्स है, 10^-34। यहाँ पे एन पुट करना है, कौन से सेल में है वो। और इधर है आपका एंगुलर मोमेंटम, एम क्या है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे सब कुछ चल रहा है, डेट इज 9.1 × 10^-31 kg। ये वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में गिवन होता है, राइट। एन क्या है, शेल या ऑर्बिट को बता रहा है। ई क्या है, जहाँ पे भी तो ई होगा तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेट इज 1.6 × 10^-19 कूलम। और जेड जहाँ पे भी आ रहा है, डेट इज एटॉमिक नंबर ऑफ डेट एटम और आयंस। क्लियर है पॉइंट। सेकेंड के बाद जो थर्ड पॉइंट है, डेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स लग रहा है, एक अंदर की तरफ और वेलोसिटी की वजह से बाहर की तरफ, तो ये दो फोर्स बैलेंस होंगे और उसको एक को बोलते हैं सेंट्रीपिटल, जो सेंटर की तरफ लगता है, राइट, ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स, और एक सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ लगता है, ये दोनों इक्वल होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लिखेंगे, चूंकि ये एक चार्ज सिस्टम हो गया तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं के Q1 Q2 / r² = सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सभी को मालूम होता है mv² / r होता है, राइट। यहाँ पे CGS यूनिट में K की वैल्यू हो जाती है 1, तो इसलिए K1 हो गया, तो हटा दिया हमने Q1, चार्ज Q1 क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, जो भी एलिमेंट होंगे या फिर आयंस होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसलिए ZE मैंने लिखा, और एक चार्ज आपका कौन सा है, फिक्स, डेट इज इलेक्ट्रॉन, तो E। यहाँ पे ये समझना है कि ZE मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर जो भी एटम या आयंस आप लेंगे तो उसमें जितना प्रोटॉन होगा, राइट, उस पर वही चार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉन पे होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हमने उसको रिप्लेस कर दिया है, तो Z टाइम्स ऑफ E, राइट। और इंटू E ये आपका जो एक दूसरा चार्ज है, अपॉन r² = mv² / r, यहाँ R से R एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ZE² / r = mv², इस R को इधर मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, mvr × v, क्योंकि V का स्क्वायर था तो उसको मैंने स्प्लिट किया, = ZE², ये आगे मैं यूज करूँगा इसलिए इसको लिखा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। और फोर्थ पॉइंट वही है, जेड एटॉमिक नंबर को बता रहा है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज, एन शेल या ऑर्बिट को, और एम मास को, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इस पे बेस प्रॉब्लम कैसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है जिसको हम बोल रहे हैं रेडियस, वो उस पे बेस क्वेश्चन पूछा सकते हैं, इसमें जो इसकी वेलोसिटी है वी उस पे बेस क्वेश्चन पूछा सकते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी उस पे बेस। तो आपको यहाँ पे हमने ध्यान से देखो mvr, राइट, और mvr किसके बराबर है, nh/2π, तो उसको पुट कर देंगे तो v आ जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZE² / nh/2π ऊपर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो वेरिएबल कौन है, सिर्फ z और n वेरिएबल है, क्यों, 2 एक कांस्टेंट नंबर, पाई एक फिक्स वैल्यू 3.14, चार्ज इलेक्ट्रॉन का फिक्स, h फिक्स, तो सिर्फ वेरिएबल कौन है, यहाँ पे z और नीचे में n है, राइट। तो आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और बेटा इसको ब्लड में डालना, आपको ब्लड समझे ना, ब्लड में डालना, ये तीन फार्मूले पे बेस बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, और वेरी सिंपल है, कैसे याद रखेंगे, वीर वर्ड से, इसलिए हमने उस ऑर्डर में लिखा है, VER कनेक्ट कर सकते हैं वीर वर्ड से। वेलोसिटी अभी आपको दिखाया सामने, V = ये सारी वैल्यू जो यहाँ पे आपको लिखी है पुट कर दोगे तो ये 2.18 × 10^6 Z/N जो वेरिएबल है ये आ जाएगा, और यूनिट क्या रहेगी, SI यूनिट m/s। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो आगे का नंबर एक फिक्स नंबर है, ये याद रख लेना 2.18 × 10^6। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे याद रखो, 2 × 10^6 भी अप्रॉक्स में ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और याद कैसे रखेंगे, वजन वर्ड से, वेट, राइट, वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वजन, तो वजन का मतलब V से वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, राइट, इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं वजन, ये याद रखना है। वेलोसिटी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे जितना शेल नंबर होगा वेलोसिटी उतना कम होगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और ये SI यूनिट में, तो ये ध्यान रखना है, जिसको 2 × 10^6 भी लिख सकते हो, राइट। ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्लोज टू, नॉट इक्वल बट क्लोज टू क्या है, ये लाइट के स्पीड के बराबर आ रहा है, क्लियर है पॉइंट। फिर उसके बाद एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिस सेल में होगा कितनी होगी, तो 13.6, ये माइनस साइन क्या,
रिप्रेजेंट कर रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो माइनस लेंगे, रिपल्सिव फोर्स होता तो प्लस लेते हैं। तो इस माइनस और प्लस का बस इतना ही यूज है और कोई यूज नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि एनर्जी निगेटिव होगी, राइट, चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स है तो निगेटिव लिया है। 13.6 अगेन एक फिक्स नंबर हो गया। अब यूनो की वेलोसिटी का जब मैं स्क्वायर करूंगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आता है, एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो जेड का स्क्वायर आ जाएगा और एन का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसलिए वेलोसिटी याद है। तो एनर्जी में आपको जो जेड और एन का क्या वेरिएशन होगा वो भी याद है, राइट। तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे यूनिट, ये ऐसा यूनिट नहीं है पर एटम, ये एक एटम का है। अगर ऐसे 10 एटम होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मोल का पूछेगा तो फिर 6 × 10³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रहे ये सिंगल एटम के एनर्जी है, राइट, सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी को बता रहा है। अगर हमें इसको ऐसा यूनिट में ले जाना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी सिंपल, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ उतना ही जूल्स हो जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेंगे, उसके बाद जूल्स में अगर पूछेगा तो कन्वर्ट कर देंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली रेडियस, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो वो किस रेडियस में है, राइट, कितनी दूरी पे है, तो 0.53 अगेन एक फिक्स नंबर, और एन स्क्वायर बाई जेड कैसे कनेक्ट करेंगे, जितना दूर ज़्यादा जाएगा न्यूक्लियस से रेडियस उतनी बड़ी होगी, इसलिए एन ऊपर आना चाहिए और जेड नीचे है। ध्यान रहे एन का यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे जेड पे स्क्वायर नहीं है, राइट। इसमें कन्वर्जन में 1 angstrom 10⁻¹⁰ मीटर होता है, राइट, 1 picometer 10⁻¹² मीटर होता है, इसलिए 1 angstrom कितना हो जाएगा 100 picometer, 1 nanometer 10⁻¹⁹ मीटर होता है, इसलिए 1 nanometer कितना हो जाएगा 10 angstrom, राइट। तो ये आप याद रख सकते हो। तो ये तीन फार्मूले को बेटा आपको ब्लड में डालना, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ काइनेटिक एनर्जी अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे अगर मैं हाफ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर होगा। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही टोटल एनर्जी भी होती है, सिर्फ माइनस साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होंगे तो इसलिए बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो टोटल एनर्जी का 2 times होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपको माइनस में जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निगेटिव साइन में, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, काइनेटिक तो चूंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये इस पे बेस भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी वैल्यूज वाइज सेम है लेकिन टोटल एनर्जी माइनस साइन के साथ रहेगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 2 times ऑफ टोटल एनर्जी होगी, यहीं सामने लिखा, कुछ नया नहीं किया। इस पूरे चैप्टर में आपको एटम कौन सा है वो मेंशन कर देगा या आयंस कौन सा है वो मेंशन कर देगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन एटम। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब हाइड्रोजन एटम आप लेंगे। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे क्वेश्चन में अगर फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऐसा लिखा हुआ है तो जो यहाँ पे नंबर इंडिकेट करेगा वही एन की वैल्यू हो जाएगा, तो एन कितना हो जाएगा 1। जैसे सेकेंड स्टेशनरी स्टेट तो N2, मान लो फोर्थ स्टेशनरी स्टेट तो N4, जितना यहाँ पे नंबर इंडिकेट करेगा वही आपका शेल का नंबर हो जाएगा या ऑर्बिट का नंबर हो जाएगा। बट अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऐसा लिखे, एक्साइटेड वर्ड, तो एक्साइटेड से पहले जो नंबर इंडिकेट हो रहा होगा उससे एक ज़्यादा लेना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट तो उससे एक ज़्यादा तो 2 लेना पड़ेगा एन की वैल्यू। सिमिलरली कहीं पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है बट आपको कितना लेना पड़ेगा 4, उससे एक ज़्यादा, तो इसलिए एक्साइटेड स्टेट से पहले जो नंबर इंडिकेट कर रहा होगा उससे एक ज़्यादा लेना आपको। बट अगर स्टेशनरी स्टेट वर्ड लिखा हुआ है तो जितना आपको नंबर इंडिकेट कर रहा है उतना ही एन लेना है, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 2 ये कि यूनो की जो वेलोसिटी है वो सम फिक्स नंबर, डेट इज़ 2.18 × 10⁶ जेड बाई एन, मेनली किस पे वेरी कर रहा है, जेड और एन पे। एनर्जी भी एक फिक्स नंबर होगा आगे में, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, रेडियस भी एक फिक्स नंबर है, राइट, और एन स्क्वायर बाई जेड है। तो इसका यूज क्या है, जब रेशियो वाले प्रॉब्लम पूछे, एक एटम का दे दे दूसरे आयंस का अगर आपको पूछा जा रहा है तो रेशियो वाले प्रॉब्लम में ये फिक्स नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखें कि वो जेड और एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है उससे सॉल्व कर लें।
अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस इज एक्स, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बी प्लस थ्री बताना है। तो यू नो रेडियस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और जेड के इन्वर्सली था। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो थर्ड ऑर्बिट है राइट, सेकेंड से ज़्यादा है, तो बेरिलियम प्लस थ्री का जो वैल्यू होगा वो x से बड़ा होगा। तो x से बड़ा होगा तो ये ऑप्शन एक पॉसिबल है राइट, और ये एक ऑप्शन पॉसिबल है, ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि छोटे हैं राइट। और कैसे निकालेंगे, तो चूंकि बेरिलियम प्लस थ्री का थर्ड ऑर्बिट है तो थ्री का स्क्वायर नाइन और उसका जेड होगा फोर राइट, डिवाइडेड बाय इसका लिथियम प्लस टू का सेकेंड ऑर्बिट था तो फोर डिवाइडेड बाय उसका ये थ्री, तो ये थ्री ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 27/16, तो इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा सी। इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर टू में रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज आर थ्री, रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन सेम एटम का पूछा गया है, तो डेफिनेटली आर फोर आर थ्री से बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो ये 9/16, ये तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है राइट। 4/3 ये पॉसिबल है, 3/4 ये अगेन पॉसिबल नहीं है। और चूंकि आर थ्री अगर आपका थर्ड बोर ऑर्बिट का है तो आर फोर क्या होगा, तो अगेन रेडियस एन स्क्वायर बाई जेड होता है राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जेड तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आइटम सेम है एन स्क्वायर, तो फोर्थ का निकालेंगे तो 16 और थ्री का निकालेंगे तो 9, तो 60/9 होना चाहिए, डेट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थ्री में इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस टू इज डेल्टा आर वन और फॉर एच ई प्लस इज डेल्टा आर टू, तो इन दोनों का रेशियो बताना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, लिथियम प्लस टू का डेल्टा आर वन है और एच ई प्लस का डेल्टा आर टू है, यू नो जो रेडियाई लिया है वो थर्ड एंड फोर्थ दोनों में सेम है, तो ऊपर की वैल्यू चूंकि रेडियस अभी आपको बताया क्या था एन स्क्वायर बाई जेड, तो ऊपर की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि सेम बोर ऑर्बिट है राइट, सिर्फ जेड से फर्क पड़ेगा, चूँकि लिथियम का जेड ज़्यादा होगा तो डेल्टा आर वन कम होना चाहिए, एच ई का जेड कम होगा तो डेल्टा आर टू ज़्यादा होना चाहिए, तो रेशियो जो होगा वो वन से लेस होना चाहिए, ये वन से ज़्यादा हो गया ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये नहीं हो सकता। और कैसे करेंगे, चूंकि ऊपर का कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ जेड बचेगा, इसका जेड है टू और इसका जेड है थ्री, इन्वर्सली रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा 2:3, डैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फोर में एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला तो एन कितना हो गया 3 राइट, एक्साइटेड स्टेट से पहले जो नंबर इंडिकेट करेगा उससे एक ज़्यादा, और हीलियम है तो जेड कितना हो गया 2, एनर्जी हमें निकालना है तो कितना था एनर्जी का माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और एन स्क्वायर 4/9 राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये कितना हो गया हाफ टाइम्स, इसका हाफ टाइम्स अप्रॉक्स कितना होगा 6 के आसपास, ऐसा एक ही ऑप्शन है बी। तो इस तरीके से आपको करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव में रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ एच एटम, तो यू नो रेडियस का फॉर्मूला था 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, एच एटम है तो जेड हो गया आपका 1 राइट, इसको 1 पुट करना है, और सेकेंड बोर ऑर्बिट तो एन की जगह 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.53 का 4 टाइम्स, और यू नो ये 200 प्लस होंगे, 200 प्लस वाले ऑप्शन कौन है ध्यान से देखो, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये हैं ऑप्शन सी। ऐसे आपको करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो यू नो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हाइड्रोजन आइटम है तो जेड 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 13.6 1/n स्क्वायर, अगर एक बार n 1 पुट करोगे तो माइनस में 13.6 आएगा, तो यहाँ पे माइनस में 13.6 वाला नहीं है, ध्यान दें प्लस वाला है, तो ये मत कर देना। उसके बाद n 2 पुट करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, तो ये यहाँ पे d है, तो इसलिए ऑप्शन d हो जाएंगे। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेवन में टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी इन हाइड्रोजन एटम, तो यू नो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया था JD² / R और 1/2 माइनस में राइट, तो चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो जेड 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस में E² / 2R, डेट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर एट में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज 19.6 × 10⁻¹⁸ जूल पर एटम है, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम प्लस टू, तो पहले ध्यान से देखो इस टाइप का जब भी आए आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर / n²
आयोनाइजेशन एनर्जी जब भी लिखे तो इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से कहाँ ले गए हो, n इक्वल टू इन्फिनिटी पे, राइट। तो एक बार पुट करो तो क्या हो जाएगा, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर, n की जगह 1 पुट करो तो 1 हो जाएगा, और एक बार माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर, n की जगह इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर के बराबर होगा। ये ऑलवेज आप ध्यान रखेंगे। अब आप ध्यान से देखो कि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, आगे कुछ नंबर होगा और इनटू जेड स्क्वायर, राइट। यहाँ पे ध्यान रहे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लाया है, इसको अगर हमें जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो पॉइंट ये है कि सम कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो आपको ये दिया है, राइट, तो ये कैसे आया होगा आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ कांस्टेंट रहे होंगे इंटू जेड, यहाँ पे कितना हो जाएगा हीलियम, तो 4, राइट। तो इसकी पूरी वैल्यू आपको ये गिवन है, राइट। तो हमें निकालना है किसका, लिथियम प्लस 2 का, और किस में, फर्स्ट स्टेशनरी, मतलब n 1 हो गया और लिथियम प्लस 2 है आपका, तो जेड हो गया यहाँ पे 3, राइट। तो n 1 हो जाएगा, तो इसका 4 टाइम्स ये वैल्यू है, तो 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, 19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 बाई 4, और इंटू में एनर्जी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, जेड कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, बाई एन कितना हो गया 1, तो ये 9 बाई 4 मतलब अप्रॉक्स इसका 2 टाइम्स आपको लेना पड़ेगा। तो 19 का 2 टाइम्स कितना हो गया 38, 40 के आसपास, तो ये आप देख सकते हो ये हो जाएंगे, एक पावर कम हो जाएगा, 18 था तो वो 40 हो जाएगा, तो एक पावर कम कर देना है, इसलिए ऑप्शन बी। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो वेलोसिटी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एन के इन्वर्सली होता है, एनर्जी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, राइट, और रेडियस एन स्क्वायर बाई जेड होता है। तो इसको डिफरेंट वे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और किसके इन्वर्सली, तो वो यही हो जाएगा, जेड स्क्वायर के डायरेक्टली होंगे और एन स्क्वायर के इन्वर्सली होंगे। और वेलोसिटी इंटू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का प्रोडक्ट, तो देख लो वेलोसिटी जेड बाई एन है और इंटू एन, तो एन एन कैंसिल हो जाएंगे, तो जेड के डायरेक्टली होंगे, इस टाइप से पूछा जा सकता है। एक और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है इन ऑर्बिट, तो यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स आप कैसे ला सकते हो, वेलोसिटी बाई डिस्टेंस है, कैसे, वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड इनवर्स हुआ, तो डैट मीन्स वेलोसिटी भी हो गया और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, रेडियस, वेलोसिटी क्या है जेड बाई एन, रेडियस क्या है एन स्क्वायर बाई जेड, पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर के डायरेक्टली और एन क्यू के इन्वर्सली होगा, तो इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, के तो एक कॉन्स्टेंट है, क्यू वन क्या हो जाएगा जेड ई, राइट, जो प्रोटॉन नंबर इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ही है, अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखो, फोर्स में एक ऊपर में जेड आ रहा है और रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस खुद क्या है एन स्क्वायर बाई जेड, तो एन स्क्वायर का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, तो जेड की पावर 3 होगी और एन का पावर 4। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है कि कोलंबिक फोर्स, चार ऑप्शन दे दिया, किसके डायरेक्टली होंगे, किसके इन्वर्सली होंगे, या फिर जेड को चेंज किया तो क्या चेंजेज होंगे। तो आई होप मेरा ये प्रयास बोर्ड्स मॉडल पे आपको बिल्कुल क्लियर होगा, इससे बाहर कुछ नहीं बेटा, आप सारे PYQ को कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। देखो ये दोनों कंसेप्ट होते हैं बहुत इजी, राइट, लेकिन बच्चे इस पे बेस्ड आने वाले क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको लगता है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो ट्रिक दूंगा जिससे आपको कैलकुलेशन या तो करना नहीं होगा या करना भी होगा तो बहुत ही कम। तो कैसे, ध्यान से देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो इसको मैंने एक डे टू डे लाइफ से कनेक्ट किया है कि जिस तरीके से क्लाउड होता है, राइट, बादल होते हैं, बादल से हमें क्या मिलता है, वाटर, पानी मिलता है, और किस फॉर्म में मिलता है, ड्रॉप्स के फॉर्म में मिलते हैं, राइट। तो वैसे ही किसी भी एनर्जी सोर्स लाइक लाइट से हमें जो एनर्जी मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, स्मॉल स्मॉल पैकेट के फॉर्म में, उसका नाम रखा गया है फोटोन, और अगर एक से ज़्यादा पैकेट होगा तो उसको बोलेंगे क्वांटा।
तो ये चीज़ें कुछ नया नहीं है, जैसे ड्रॉप्स हैं वैसे आप मानो फोटोन है। किसी भी एनर्जी सोर्स से जो हमें एनर्जी मिलता है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट के फॉर्म मिलता है, और उस पैकेट का नाम है फोटोन। तो उस एक फोटोन की एनर्जी क्या है, इस एक फोटोन की एनर्जी क्या है, तो वो हम निकाल सकते हैं एच प्लैंक कॉन्स्टेंट सी लाइट के स्पीड बाय लेमडा से, राइट। एच सी बाई लेमडा, यू नो सी बाई लेमडा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, तो एच एफ। अब यहाँ पे सारी वैल्यू मैं पुट करूँगा तो ये 1240 के आसपास आएगा, लेकिन लेमडा नैनोमीटर में आपको पुट करना है। तो एक ये याद रखना आपको, ई इज इक्वल टू 1240, ऊपर की वैल्यू ख़त्म हो गई, एक कांस्टेंट नंबर, लेमडा नैनोमीटर में, या फिर 1240 लेमडा एंगस्ट्रॉम में पुट करना, और एनर्जी की यूनिट किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ध्यान रहिए, एक फोटोन, एक सिंगल फोटोन का एक ड्रॉप का एनर्जी है, एक से ज़्यादा ड्रॉप होंगे तो जितना होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए 1 मोल का पूछेगा तो 6×10^23 से मल्टीप्लाई कर देना है एक फोटोन की एनर्जी में, राइट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना हो तो वेरी सिंपल, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही वो नंबर है, 1.6×10^-19 जूल, ये कन्वर्जन में काम आएगा। इसको हम बोर्स थ्योरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, वी नो कि अगर फर्स्ट सेल है ये सेकेंड ये थर्ड एंड सो ऑन, राइट। तो जब फर्स्ट से सेकेंड पे जाएगा या फर्स्ट से थर्ड पे या सेकेंड से थर्ड पे, तो एनर्जी एडजॉर्ब होगी, लेमडा एडजॉर्ब की बात करेंगे, एनर्जी देना पड़ेगा। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, लाइक 2 to 1, 3 to 1, 3 to 2, तो एनर्जी इमिट करेगा, तो लेमडा इमिट बोलेंगे। तो कभी भी दो शेल दो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कैसे निकाल सकते हैं, 13.6 Z² / 1/N1² - 1/N2² तो इससे आप निकाल सकते हो, राइट। ये बोर्स आया, और ये जो दो एनर्जी का गैप है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कोई ना कोई वेवलेंथ इमिट करेंगे, और वो वेवलेंथ को हम इसी एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं एच सी बाई लेमडा से। तो यहाँ से एच सी की वैल्यू आपको मालूम है, लेमडा अगर निकालना होगा तो ये सब गिवन होगा, या लेमडा दे देगा तो इनमें से कुछ पूछ सकता है। तो इस पे बेस भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। सिंपल हमने एनर्जी को इक्वेट किया है, इन दोनों के बीच का गैप की एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, बोर्स मॉडल से, डैट शुड बी इक्वल टू एच सी बाई जो लेमडा ये इमिट करेगा, या फिर जो फ्रीक्वेंसी ये इमिट करेंगे। अगर एडजॉर्ब होगा तो एडजॉर्ब की बात करेंगे, इमिट होगा तो इमिट की बात करेंगे। तो ये है आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी। दूसरा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसका क्या कहना था कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसमें वेलोसिटी है, अगर वो मूव कर रहा है तो वेवलेंथ इमिट करेगा, और उसने अपने नाम पे नाम रख दिया था डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो वेरी सिंपल है, तो ये जो लेमडा है ये एक्चुअली क्या है, डी ब्रोगली, डी लिख देता हूँ मैं, लेमडा डी ब्रोगली। तो वो कैसे निकालेंगे, प्लैंक कांस्टेंट में डिवाइड कर देंगे मास उस ऑब्जेक्ट का और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से, तो एच अपॉन एम वी, यू नो मोमेंटम हो जाएगा ये, मास इनटू वेलोसिटी, तो एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं इसका, और दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो एच, राइट। और ये को 2 times ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे यहाँ पे रूट अंडर में है, इधर में कोई रूट नहीं है, और ये रूट अंडर ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू वोल्टेज लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू वोल्टेज होता है, अगर चार्ज पार्टिकल होगा तो, या चार्ज इनटू पोटेंशियल बोले तो भी एक ही बात है। तो उसी को मैंने पुट किया, यू नो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होते हैं, दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, एम के इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एम वी का स्क्वायर 2mk हो गया, इसलिए एम वी यहाँ पर हमने पुट कर दिया रूट अंडर ऑफ 2mk, तो ये वहीं से आ गया, और के ई को मैंने चार्ज इनटू वोल्टेज। तो ये 4 different फॉर्म में ये फॉर्मूले हैं लेमडा डी ब्रोगली निकालने के। अगर मास वेलोसिटी गिवन होगा तो ये यूज करोगे, मोमेंटम गिवन होगा तो ये यूज करोगे, काइनेटिक एनर्जी गिवन होगा तो ये यूज करना, चार्ज वोल्टेज गिवन होगा तो ये यूज करना। तो ये हैं, ये कैसे आया, तो वेरी सिंपल, यू नो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग आप जानते हो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, प्लैंक क्वांटम के अकॉर्डिंग दोनों एनर्जी है, हमने इक्वेट कर दिया तो यहाँ से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ये C कौन है, लाइट की स्पीड है, इसकी वैल्यू कितनी होती है तो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, राइट। डेट लेकिन हमारा सारा ऑब्जेक्ट तो लाइट के स्पीड से चल नहीं सकता, तो अगर नॉर्मल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो सी को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, वेलोसिटी से, और उसका मास तो मास रहेगा, तो यही एच अपॉन एम वी आया। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए।
नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी सर्कमफ्रेंस पे कितने डी ब्रॉगली वेवलेंथ होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ईजी है। तो ये मैंने एक सर्कल बनाया, इसका सर्कमफ्रेंस का लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr, अगर रेडियस r होगा तो इसमें कितनी वेवलेंथ होंगी, n वेवलेंथ होंगी, n टाइम्स ऑफ लेमडा, 2πr इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लेमडा। 2πr की वैल्यू अगर हाइड्रोजन एटम है या कोई भी एटम है तो क्या हो जाएगा, ए नॉट, राइट, आगे का सम कांस्टेंट, दैट इज नथिंग बट 0.529 या 0.53 एंगस्ट्रम हो जाएगा। एन स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल टू एन लेमडा, एन से एक एन कैंसिल हो जाएंगे, तो लेमडा यहाँ से कितना हो गया, ध्यान से देखो, 2πa नॉट बाई जेड इंटू एन। तो इससे क्या फ़ायदा हो गया, ये लेमडा डी ब्रॉगली है, इससे क्या फ़ायदा हो गया, डायरेक्ट आप बता सकते हो, जैसे मुझे पूछा गया हाइड्रोजन एटम में, 99% हाइड्रोजन एटम में पूछा जाता है, इसलिए जेड वन हो जाएगा, तो लेमडा डी ब्रॉगली कितना हो जाएगा, 2πa नॉट इंटू एन, अदर कोई एटम होंगे तो उसका जेड पुट कर देना है। तो हाइड्रोजन एटम में अगर आप ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट शेल का बोला तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 2πa नॉट, एन की जगह 1 पुट कर देंगे। सेकेंड सेल तो जितना सेल होगा उसका डबल हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स ऑफ पाई ए नॉट। थर्ड बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ पाई ए नॉट। फोर्थ बोलता तो क्या जाता है, 8 टाइम्स ऑफ पाई ए नॉट, इस टाइप से पूछे गए, या फिर ए नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2πa इंटू 0.529 ऐसा हो जाएगा, राइट, या मल्टीप्लाई करके लिख देगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है और ईजी है, किसी भी सर्कमफ्रेंस पे एन वेवलेंथ होंगी, 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा आपको कर देना है, राइट। दूसरा जो है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो वर्ड जहाँ पे भी आए केमिस्ट्री में वहाँ पे मतलब है सेम, यहाँ पे नाम इटसेल्फ बता रहा है इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो रहेगा ही, अगर प्लस चार्ज होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, डैट मीन्स उतना एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देना है, और अगर माइनस चार्ज होगा तो उतना ऐड कर देना, माइनस में ऐड कर देना है, प्लस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल Na प्लस, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 था, एक इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब एक दे दिया, तो 11 माइनस 1 दैट इज 10, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन 9th एटॉमिक नंबर, माइनस मतलब इसने कर्ज ले लिया, तो एक और आ गया, तो 9 प्लस 1 10, कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीजन 8, दो माइनस मतलब दो ले लिया कर्ज, तो 8 प्लस 2 डैट इज 10। एल्युमिनियम 13, 3 प्लस मतलब 3 दे दिया, तो -3 डैट इज 10, तो सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जरूरी नहीं हो सिंगल एटम गिवन हो, पॉली एटम भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबके एटॉमिक नंबर को ऐड कर लेना है, जितना चार्ज होगा, चार्ज में बस ये ध्यान रखना, प्लस होगा तो सब्ट्रैक करना है, माइनस होगा तो ऐड करना है, उल्टा कर देना है, ओके। आइसोटोप में देखो लास्ट में क्या आ रहा है, पी, आइसो मतलब सेम, पी में पी, तो पी से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, तो सेम प्रोटॉन और डिफरेंट मास नंबर होंगे, तो लाइक हाइड्रोजन के आइसोटोप 1H1 1H2, तो ध्यान से देखो दोनों में प्रोटॉन सेम है। वैसे ही आइसोटोन है, आइसोटोन में एन आ रहा है, एन से न्यूट्रॉन, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल फास्फोरस 15-31, सल्फर 16-32। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को, डैट मीन्स ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर देना, वेरी सिंपल। तो यहाँ भी देखो ध्यान से 16 आ जाएगा, यहाँ भी 16, तो सेम न्यूट्रॉन है इसलिए आइसोटोन। और आइसो बार में बी आ रहा है, तो यहाँ पे सेम क्या होते हैं, मास नंबर, ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ भी 40 यहाँ भी 40, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो बार। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा आइसो इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में लेमडा डी मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ बोर ऑर्बिट इज 1.5a0, तो वैल्यू ऑफ एन वाई जेड। तो अभी आपको बताया था ज्ञान की बात में कि जो लेमडा डी हो जाएगा वो 2πa0 n/z होता है, और ये आपको गिवन है, तो पुट कर दो 1.5πa0 इज इक्वल टू 2πa0 n/z, ध्यान दे ये जेड है, राइट। तो ध्यान से देखो πa0 कैंसिल, 1.5 को आप क्या लिख सकते हो, 3/2, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 इज इक्वल टू n/z, तो इसलिए n/z यहाँ से कितना हो गया, 3/4 डैट इज 0.75, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ कार ऑफ मास 1000 kg और स्पीड आपको गिवन है, तो राइट, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी।
तो आप ध्यान से देखो कैसे करना है। यहाँ पे बच्चे को लगता है कि कैलकुलेशन करना नहीं, क्योंकि सारी यूनिट मीटर में है राइट, तो इसलिए आपको एसआई यूनिट में पुट करना है। तो आप हेच की वैल्यू पुट कर दो, हेच कितना हो गया 6.6 × 10⁻³। मास केजी में है, बहुत अच्छी बात है, 10³। और वेलोसिटी ये 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में ले जाना है, तो यू नो 36 किलोमीटर हो गया तो 1000 मीटर, और पर आवर एक आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इसको तो ये 6 6 36 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 से 2 0, तो ये सिर्फ 10 आ जाएगा, तो इनटू में 10 राइट। तो अब ध्यान से देखो ये 10⁴ बनेगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁸ हो जाएंगे, ऐसा एक ही ऑप्शन है। वैसे भी अगर ऑप्शन से जाते हैं तो 10⁻⁴ से बड़ा पावर होना चाहिए निगेटिव में, ऐसा एक ही ऑप्शन था राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू यू, डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का बताना अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है, x × 10⁵ है। तो अभी आपको बताया था लेमडा क्या हो जाएगा, h/2m × काइनेटिक एनर्जी और इसका रूट ओवर, तो h हो गया 6.6 × 10⁻³। 2 मास आपको इलेक्ट्रॉन का गिवन था 9 × 10⁻³, और काइनेटिक एनर्जी भी आपको गिवन है, दैट इज 4.5 × 10⁻²। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 31 और 29 ऐड हो जाएंगे तो 60, उसका रूट है तो 10⁻³, और ये 2 × 4.5 9 होगा, 9 का रूट 9 बार निकलेगा राइट। तो ये कैंसिल होंगे तो 10⁻⁴ बचेगा, क्योंकि 10⁻⁵ में चाहिए, तो एक इसका 10 आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 66/9, जो कि अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा 7 इंटीजर टाइप में, तो इसका आंसर रहेगा 7। क्वेश्चन नंबर 4 में डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लिथियम प्लस 3/λ ऑफ प्रोटॉन बताना है अगर पोटेंशियल दोनों का सेम है। तो आपको बताया था कि लेमडा डी अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो h/√2m charge × voltage होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और h क्योंकि रेशियो है तो सिर्फ √mq होगा राइट, मास इंटू चार्ज, और इन्वर्सली रिलेटेड है तो नीचे में p है तो ऊपर में जाएगा, तो प्रोटॉन का मास 1 चार्ज 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिथियम का, तो लिथियम का मास कितना है वो गिवन था 8.3 और चार्ज कितना ध्यान से देखो प्लस 3 तो 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/√25 डेट इज 1/5। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻¹, तो इसलिए x कितना हो जाएगा आपका 2। तो इस टाइप से आपको करना है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन पूछा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यू नो एनर्जी क्या होता है h × f 6.6 × 10⁻³ और फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻½ है। ये तो एक फोटोन का हुआ, ध्यान दे 1 मोल का, तो × 6 × 10⁻²। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशन पूरा करना है, यहाँ देखो 23 और 12 कितना हो गया 35, 35 में 34 जाएगा तो एक 10 आपका बच जाएगा राइट। तो आप कितना हो जाएंगे ये 66 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इधर रह जाएंगे और इधर 6 रह जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको पूरा करना है राइट, 6 × 2 कितना हो गया 12, 66 × 12 हो जाएंगे राइट। 66 को आप कितना ले सकते हो अप्रॉक्स, 60 ले लो तो कितना हो जाएगा 720, और उससे ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा देखो एक ही ऑप्शन है क्लोज टू में 800। तो ऐसे आपको करना है अप्रॉक्स कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे कैसे करते हैं, सबके इलेक्ट्रॉन निकाल के करते हैं, ऐसा नहीं करना बेटा, थोड़ा अपना दिमाग लगाना, ध्यान से देखो यहाँ पे एक आयोडीन है, यहाँ पे 3 आयोडीन है, तो ये कभी नहीं हो सकता आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे ध्यान से देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, ज़्यादा हो गया तो ये भी नहीं हो सकते। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे फास्फोरस है, और ऑक्सीजन भी ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, कार्बन है, नाइट्रोजन है, आसपास वाले और कम इलेक्ट्रॉनों की वजह से -2 है, या 1- है, तो इसमें हो जाएगा, दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन है 32। तो ऐसे आपको चेक करना है राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग लेमडा दे दिया है, तो आपको बताया था कि एनर्जी जब भी निकालना होगा तो 1240 लेमडा नैनोमीटर में पुट करना है, और एनर्जी किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1240 लेमडा नैनोमीटर में 400 पुट कर दो। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये 4 × 3 = 12 और 4 × 1 = 4, तो ये 3.1 eV हो जाएगा। अगर आपसे जोल्स में पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3.1 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जोल्स हो जाएंगे।
तो इस टाइप से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग पोटेंशियल वी, तो आपको बताया था लैम्डा किसके बराबर है, एच अपन रूट अंडर ऑफ 2m चार्ज इनटू वोल्टेज। आप पुट कर दो एच, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ही रहने दो, चार्ज इलेक्ट्रॉन का दैट इज ई हो गया 1.6 इंटू 10^-19 और वोल्टेज वी डैश है तो ये ऑप्शन हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको करना है। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है कि आप डिफरेंट रेज को उनके इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में या डिक्रीजिंग वेवलेंथ में आप अरेंज कर दो, तो वो जो ऑर्डर होगा, जो अरेंजमेंट होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजुअल, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव। तो इस ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे, उसके लिए रफ़ी सर के पास ट्रिक है। कैसे याद रखेंगे, कॉस साइन थीटा कॉस थीटा होता है, राइट। तो कॉस गामा से गया एक्स यूवी, ये एक्स रेज है, ये अल्ट्रा वायलेट है और ये विजुअल है, तो एक्स यूवी गाड़ी का नाम होता है, राइट। तो कॉस गया एक्स यूवी में, इधर आयर इंफ्रारेड को इधर मैं रोया। तो अगर कोई आपका फ्रेंड एक्स यूवी में घूम रहा है तो आपको जलन तो होगी, राइट। तो कॉस गया एक्स यूवी में, इधर मैं रोया से याद रख सकते हैं। यू नो एनर्जी हेसी बाय लैम्डा है, तो एनर्जी आपका फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली पोर्शनल है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा एनर्जी, और वेवलेंथ के इन्वर्सली, जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, और इस ट्रिक्स या कंसेप्ट से आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे एंड बहुत कम कैलकुलेशन करके भी कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मानना है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत है इसलिए वो इस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। तो आपका ये प्रॉब्लम आपसे ना छूटे इसलिए रफ़ी सर ने ऐसा ट्रिक लाया जिससे आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन वर्ड बोलते ही कि जेड उसका वन हो गया, राइट, एटॉमिक नंबर, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो वी नो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बोर्स एटॉमिक थ्योरी लगा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की किसी भी सेल में एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से, राइट। चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, राइट, तो जेड यहाँ पे 1 हो गया, तो पुट कर दो तो कितना हो जाएगा एनर्जी, माइनस में 13.6 1 का स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं हर सेल की यहाँ एनर्जी लिख दिया हूँ, एन इजकल टू 1 होगा तो 13.6 हो जाएंगे, एन इजकल टू 2 तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 हो जाएगा, एन इजकल टू 3 तो आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 1.51 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और जब एन इन्फिनाइट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज का मतलब क्या है, तो वेरी सिंपल, ये टोटल 6 सीरीज हैं, जिसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फेरी। कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखो, एल बी पी और फिर बी पी एच, सबका फर्स्ट लेटर ले लो आप। और कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखो, लो ब्लड प्रेशर हाई, इस टाइप से याद रख सकते हैं। एल से हो मैंने बना लिया लो, बी से हो गया आपका ब्लड, राइट, पी से प्रेशर, तो लो ब्लड प्रेशर, फिर से बी है तो फिर से ब्लड, फिर से पी है तो फिर से प्रेशर, और एच से हाई, आप ऐसे याद रख लेंगे, लो ब्लड प्रेशर हाई। अब दिक्कत अगर होगी कि सर ब्लड दो जगह है तो कौन होगा, तो यू नो बी के बाद ए आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए बाल्मर पहले होगा और आर ब्रैकेट बाद में होगा, राइट। वैसे ही ए पहले आता है, एफ बाद में आता है, क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे पी साइलेंट है, तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बोलते ही देखो, लाइमन जैसे ही बोला तो एन वन फिक्स हो चुका है, डैट इज 1, राइट, और N2 इससे आगे का कोई नंबर होगा इसलिए 2 टू इन्फिनिटी। वैसे ही बाल्मर सीरीज जैसे ही बोला तो एक N1 फिक्स हो गया है, ये सब जो है वो फिक्स हैं, N1 2 हो गया, और N2 इससे आगे का नंबर 3 टू इन्फिनिटी। वैसे ही पाश्चन बोला तो 3, तो ये 4 टू इन्फिनिटी, एंड सो ऑन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब ये जो लाइमन सीरीज है वो किस रीजन में लाई करती हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में। बाल्मर जो है वो विजुअल, एक ही बाल्मर सीरीज है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बाकी सब हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो रेंज ही नहीं, राइट।
और बाकी सारे जो हैं वो आईआर हैं, इंफ्रारेड में हैं। तो ये पॉइंट हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हम इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, डैट मीन्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉन अप से डाउन में आएगा, राइट, हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में आएगा, ऑलवेज इमिशन की बात कर रहे हैं। नाउ इसको मैं डे टू डे लाइफ से जोड़ता हूँ कि इसको कैसे आप समझेंगे। देखो जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में लिफ्ट है, राइट, तो लिफ्ट में आप मान लो कि आ रहे हो, तो कभी भी अगर आपने कहीं पे भी फ्लोर पे हैं वहाँ से डायरेक्ट अगर वन पे आ रहे हो, ध्यान दे बीच में लिफ्ट का स्टॉप नहीं होना चाहिए, किसी भी फ्लोर से डायरेक्ट अगर वन पे आ रहे हो तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। सिमिलरली अगर किसी भी फ्लोर से अगर डायरेक्ट टू पे आके रुक रहे हो तो उसको बोलेंगे बाल्मर, वैसे किसी भी अप फ्लोर से आप थ्री पे आके रुक रहे हो तो पाश्चन। इसलिए ये जो पॉइंट हमने लिखा है वो उसी ऑर्डर में लिखा है और उसी ऑर्डर में याद करवाया, तो वेरी सिंपल है, राइट। तो ये लाइमन सीरीज कहने का क्या मतलब है कि ये दो एनर्जी का गैप कम है, राइट, विनो एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको लेमडा मैक्स मिलेगा, और यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी का सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप है, एनर्जी ज़्यादा है तो लेमडा कम होगा, तो यहाँ से लेमडा मिनिमम आपको मिलेगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि इनका क्या बन जाएगा, एक रेंज बन जाएगा कि लाइमन सीरीज में लेमडा की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो सकती है, तो ये लाइमन सीरीज का यही मतलब है। तो वेरी सिंपल है और वेरी क्लियर होना चाहिए, लाइमन वर्ड बोलते ही एन वन आपका फिक्स हो चुका है वन, दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी अप फ्लोर पे होगा वहाँ से डायरेक्ट उसको वन पे आना है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया टू से वन पे आ सकता है, थ्री से वन पे आ सकता है, थ्री से वन पे आने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट थ्री से वन पे आके रुकेगा, ऐसा नहीं कि थ्री से टू पे आया फिर टू से वन, तो थ्री से जो टू पे आया वो लाइमन सीरीज में नहीं आएगा, फिर टू से वन वाला लाइमन सीरीज हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी अप फ्लोर पे हो वहाँ से डायरेक्ट अगर वन पे आ रहा है तो लाइमन, टू पे आ रहा है तो बाल्मर, थ्री पे आ रहा है तो पाश्चन एंड सो ऑन, राइट। तो ये है आपको लाइमन या बाल्मर या पाश्चन सीरीज के बारे में, तो आई होप ये क्लियर होगा। नाउ यहाँ पे जो मैं एक दो पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं गैप बिटवीन सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की बात करूँ 2 to 1 का, तो वो कितना आ रहा है 10.2, और वहीं पे अगर मैं गैप 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 2 या 2 से इन्फिनिटी की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 0 - 3.4 तो कितना हो जाएगा 3.4। तो यहाँ से आपको समझना है कि जो गैप सेकेंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच है वो गैप 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक भी नहीं है, इनफैक्ट जो सेकेंड और वन का जो गैप है वो इसका ऑलमोस्ट 3 times है। तो ये समझने वाली बात है कि आपको ये गैप बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि अगर कहीं पे ऐसा बात आए कि मैक्सिमम गैप या मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब है कि N1 को अगर मैं 1 रख दूँ 1 पे और N2 इससे जितना दूर रखूँ उतना ज़्यादा एनर्जी गैप आएगा, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है, राइट, इसको फिक्स करते इससे जितना दूर जाऊँगा एनर्जी बढ़ता जाएगा। वैसे ही अगर N1 पॉसिबल नहीं है, नहीं लेना है, तो फिर N2 मुझे कंसिडर करना पड़ेगा और इससे जितना दूर जाऊँगा, तो कभी भी इस टाइप से आपको थिंक करना है, ये डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछा जाए कितना इमिट होगा, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं N2 - N1 (N2 - N1+1)/2, वेयर व्हाट इज N2 N1, कि किस फ्लोर से किस फ्लोर की बात कर रहा है, डैट मीन्स किस सेल से कौन से दूसरे सेल की बात कर रहा है, लाइक जैसे 5 से 2 में कितनी होंगी, तो एक जगह 5 पुट करना और एक जगह 2, और आप पुट करके निकाल सकते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरा ये कि हम दो सेल के बीच का एनर्जी गैप निकाल सकते हैं, डैट इज डेल्टा ई, कैसे निकाल सकते हैं, H × फ्रीक्वेंसी से या फिर HC/लेमडा से, जब भी दो सेल के बीच का एनर्जी गैप होगा तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक वेवलेंथ राइट इमिट होगी, तो वही वाला है ये वेवलेंथ, डैट इज इक्वल टू इन सब की वैल्यू पुट कर दो तो 1240 लेमडा नैनोमीटर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा अप्रॉक्स में, या फिर अगर मैं बोर्स मॉडल से निकालूं तो 13.6 Z² बाय द वे Z यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, 1/N1² - 1/N2² N1 जो है वो शेल एक सेल हो गया, N2 दूसरा सेल हो गया, राइट। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, अगर मैं इन सब की वैल्यू को पुट कर दूं SI यूनिट में तो 1/लेमडा राइट, जिसको वेव नंबर के नाम से भी जानते हैं, इज इक्वल टू रिजबर्ग कॉन्स्टेंट राइट,
आर एच इंटू जेड स्क्वायर, अगेन जेड यहाँ पे 1 हो जाएगा, मैं इन जनरल लेके चला 1/N1² माइनस 1/N2², जहाँ पे आर एच की वैल्यू 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स है, राइट। तो ये भी हो सकता है, तो कुछ नहीं करना है। दो सेल के एनर्जी के बीच का गैप हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं, बस ये ध्यान में रखना है, राइट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कहीं पे भी क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है, तो यू नो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, तो इसका मतलब वही हो गया मिनिमम एनर्जी। तो ऐसे केस में आपका N1 क्या होगा और N2 क्या होगा, उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है। अगर बोल दिया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर वर्ड बोलते ही N1 2 हो गया, इसलिए हमने लिखा नेम कि कौन सा नाम दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा वो N1 और N2 उससे एक ज़्यादा। जैसे अगर मैं बोलूँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, तो N1 कितना हो जाएगा 2 और N2 कितना हो जाएगा उससे एक ज़्यादा, तो 3। ये कहने का मतलब हुआ, क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी कम दो एडजेसेंट शेल के बीच का होगा, राइट। नाउ कहीं पर अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है या फिर हाईएस्ट एनर्जी हो गया या फिर सीरीज लिमिट लिखा है, ये सब का एक ही मतलब है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ कम तो एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, या फिर वही सीरीज लिमिट हो जाएगा, तो उस केस में अगेन N1 तो कौन से नाम लिया है लाइमन बाल्मर पाश्चर उसके अकॉर्डिंग N1 फिक्स हो गया और N2 डायरेक्ट यहाँ पर फिक्स है, डैट इज इन्फिनिटी। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इस टाइप से वर्ड दे देगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसका क्या मतलब हुआ, या अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो कभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन वर्ड बोलते ही N1 क्या हो गया 1, ये वर्ड से आपको पहचानना कि N1 क्या हो गया और N2 फर्स्ट लाइन बोला है तो उससे एक ज़्यादा, सेकंड लाइन बोलता तो N1 तो 1 होता लाइमन का लेकिन N2 कितना हो जाता 3, राइट। तो यहाँ से समझो फर्स्ट लाइन मतलब ये वाला, यहाँ से ये वाला फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड लाइन बोले तो ये वाला, थर्ड लाइन बोले तो ये वाले, एंड सो ऑन, राइट। तो इसलिए अगर मुझे ऐसा बोलता सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर बोलते ही N1 आपका हो गया 2 और सेकंड लाइन बोले तो ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन है, तो ध्यान से देखो ये कौन सा है 4, तो N2 कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमाएगा, N1 N2 डायरेक्टली नहीं देगा, वो आपको किसी न किसी वर्ड में इस टाइप से फंसाएगा। तो वेरी सिंपल है, नेम से एक फिक्स हो जाएगा N1 और N2 आप कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको ये आइडिया दिया हूँ। नाउ अप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 इज एक्साइटेड टू n+1th ऑर्बिट यूजिंग एनर्जी गिवन है, राइट। आपसे n पूछा गया, तो यू नो कि लिथियम +2 है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखो, आपको गिवन है 1.47 × 10⁻¹⁷ इजिकल टू कितना था 13.6 जेड स्क्वायर, लिथियम का जेड स्क्वायर कितना हो गया तो 3^9 1/N1² - 1/N2². अब ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये जूल में, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना है तो 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर देंगे, तो ये ध्यान से देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये 10⁻², तो ये कितना हो गया 147 / 13.6 × 9 = 1/N1² / 1/N2². अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चे पूरा सॉल्व करने लगते हैं, नहीं देखो कैसे करना है, ये 1.6 को आप अप्रॉक्स कितना ले सकते हो 3/2, ये 13.6 को अप्रॉक्स 14 और ये 9 को आप 10 भी ले सकते थे या 9 लो, तो ये इससे कट करोगे तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा आपको 0.75 मतलब कितना आ गया 3/4। तो 3/4 कब हो सकता है, जब N1 1 हो क्योंकि, और N2 2 हो, क्यों, क्योंकि देखो N1 1 होगा तो 1 - 1/4 डेट इज 3/4, तो इसलिए यहाँ पे हमारे लिए N कितना हो जाएगा 1। तो ऑलवेज आपको अपने हिसाब से थिंक करना है, राइट, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ एज बाल्मर फ्रॉम N=4 to N=2 ऑफ हीलियम प्लस। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वेवलेंथ कब हो सकता है, जब एनर्जी सेम होगी, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या था आपको, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1² - 1/N2², राइट। तो अगर मैं सेम वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ डेट मीन सेम एनर्जी, अब हीलियम प्लस की बात करूँ तो आप क्या पुट कर देंगे, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर, तो हीलियम का जेड का स्क्वायर कितना हो गया 4
वन अपॉन, यहाँ पे ये बता दिया है कि फोर से टू में, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलवेज ए स्पेक्ट्रम, डेट मीन्स अप से डाउन ऑन है, तो यहाँ पे वन बाई फोर का स्क्वायर 16 माइनस वन बाई टू का स्क्वायर तो 4, राइट। और उसका अगर हाइड्रोजन का लिखोगे तो वो कैसे लिखते हैं, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर तो 1 हो जाता, 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, दोनों सेम होना चाहिए, तो जस्ट आपको कंपेयर करना है। तो ये दोनों कॉमन है, 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये ध्यान से देखो, 1 बाय 4 माइनस 1, तो ये 1 बाय 4 माइनस 1 कब हो सकता है, जब ये एन वन 2 हो, और एन टू कितना होना चाहिए 1, तभी हो सकता है, राइट। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 से 1 वाला होना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है। अगर ध्यान से देखो तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम बोला है ऑलवेज अप से डाउन में आना है, तो 2 टू 1 यही अप से डाउन है, क्योंकि ये 1 से 3 है, तो ये वैसे भी नहीं था, 1 से 2, 3 से 4, तो ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्पेक्ट्रम वर्ड से आपको वो थिंक करना था कि ऑलवेज अप से लो आता है, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो ऐसे भी थिंक करना बेटा, क्योंकि वो आपके माइंड को चेक करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लेमडा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर लेमडा है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज में क्या होगा, तो यहाँ पे अगेन अपने माइंड का पहले यूज करना है, वेवलेंथ पूछा है तो लेमडा नीचे नहीं हो सकता, राइट, कि वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर या सेंटीमीटर, तो ये मीटर इनवर्स हो गया, तो ये नहीं हो सकता। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमडा है तो लॉन्गेस्ट लेमडा से ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये लेमडा से छोटा हो चुका है। और ये दोनों में कौन होगा, तो वेरी सिंपल, हमारे पास फार्मूला क्या था, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर एच कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, राइट। एक बार मुझे हाइड्रोजन में लगाना पड़ेगा, एक बार हीलियम में, क्योंकि हीलियम की बात क्या है, जेड यहाँ पे चेंज होंगे, तो ध्यान से देखो लेमडा जो है वो इन्वर्सली है ये नंबर के, राइट, क्योंकि यही डिपेंड करेगा, ये तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे लेमडा ऑफ एच ई प्लस बाई लेमडा ऑफ एच लिखेंगे, राइट, और चूंकि लेमडा एच नीचे है इन्वर्सली है तो उसका ऊपर आ जाएगा, तो जेड का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी लाइमन सीरीज में कब मिल सकती है, जब एन वन 1 हो, 1 का स्क्वायर 1, और एन टू इन्फिनिटी हो तो 0, डिवाइडेड बाई इसका जेड कितना हो जाएगा 4, क्योंकि हीलियम है, और यहाँ पे ध्यान से देखो इसका क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिल सकता है, जब बाल्मर है तो एन टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस वो जो हो जाएगा उससे जस्ट एक आगे, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन, ये इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 माइनस 4 बाई 9, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो 9 बाई 5, और ये लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाई लेमडा, तो 9/5 लैम्डा, दैट इज ऑप्शन बी, तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है अगर इलेक्ट्रॉन एन एच कल टू 5 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो आपको बताया था कैसे लिखेंगे, एन टू माइनस एन वन इन टू एन टू माइनस एन वन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे एन टू हो गया 5 माइनस ग्राउंड स्टेट मतलब एन एच कल टू 1, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा आपको 10। क्वेश्चन नंबर 5 में, रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ध्यान देना है, टू स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ एच स्पेक्ट्रम फाउंड टू बी 9, तो स्पेक्ट्रल सीरीज कौन हो सकता है, तो ध्यान से देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है, तो आपको पहले बता रखा हूँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब मैक्सिमम एनर्जी होंगे, तो एक तो एन वन जो भी नेम होगा, तो दूसरा में एन टू, तो आपका हो गया इन्फिनिटी। अब 9 कैसे आ सकता है, तो ध्यान से देखो पाश्चन और फंड में आ सकता है क्या, तो लाइमन बाल्मर पाश्चन, तो पाश्चन की बात करेंगे तो एन वन हो जाएगा 3, और फंड की बात करेंगे तो उसका एन वन हो जाएगा 5, तो नहीं आ सकता, 1/9 और ये 1/25, चूंकि हमें 9 चाहिए तो इसका मतलब एक 1 होना चाहिए, एक 1/9, तो वो किस में हो सकता है, लाइमन में, क्यों, क्योंकि लाइमन में एन वन 1 हो गया आपका और एन टू इन्फिनिटी, पाश्चन में एन वन आपका 3 हो गया और एन टू इन्फिनिटी, आगे का जो भी कांस्टेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा 1 बाय इधर में 1/9, राइट, तो कितना आ जाएगा 9, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी। इस टाइप से आपको करना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एनर्जी, तो आपके पास फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू क्या होता है,
H into F, ध्यान दें सब जूल्स में है, H आपको मालूम है 6.6 into 10 की पावर माइनस 34 और F आपको गिवन था 2.47 into 10 की पावर 15। आप कैलकुलेशन में टाइम नहीं लेना है, ये माइनस में 34 और 15 जाएगा तो माइनस में 19 आएगा, बट ये 6 to the 12, 10 से ज़्यादा हो गया तो एक पावर और कम हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 18 वाले होंगे। ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऐसे आपको करना है बेटा। वैसे ही 7 में वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 1 to 2, ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन किस में, मीटर में, मतलब ऐसा यूनिट में वेवलेंथ पूछा है और 1 से 2 में है, तो एनर्जी को आपको बताया था कैसे लिखेंगे, 1240 बाय लेमडा नैनोमीटर में पहले निकाल लेते हैं फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इज इक्वल टू 13.6। हाइड्रोजन एटम है तो जेड 1 अपॉन 1 से ये है तो 1 - 1/4, तो आप ध्यान से देखो तो लेमडा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो लेमडा हो जाएगा 1240, ये 13.6 और ये 3 और ऊपर में 4। अब कैसे करना है ध्यान से देखो, तो ये 4 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 12.4 इंटू 10 की पावर 2 बाई यहाँ पे 9, तो ये 9 से कैंसिल करेंगे तो 1 point something। क्यों मैंने ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि सम में आगे का वैल्यू तो सेम ही है, सिर्फ 10 की पावर से डील करना है और ये चूंकि नैनोमीटर में आएगा तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर, तो ये 10 की पावर 2 से कम हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 7 आना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में लेमडा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज इज 720 नैनोमीटर, तो लेमडा ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ दिस सीरीज, तो राइट, तो ध्यान से देखो पास्टन बोला है तो N1 कितना हो गया 3 और फर्स्ट लाइन तो N2 कितना हो गया आपका 4, राइट। फिर उसी सीरीज की बात कर रहे हैं बट सेकंड लाइन है तो N1 उसके लिए रहेगा 3 और N2 कितना हो जाएगा 5। हमारे पास फार्मूला क्या था, 1 by lambda इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर, वैसे बाय द वे यहाँ पे 1 हो जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। तो देखो इन्वर्सली रिलेटेड है, तो अगर मुझे सेकंड लाइन का निकालना है तो x/720 इज इक्वल टू, ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/9 - 1/16 डिवाइडेड बाय इधर कितना हो जाएगा 1/9 - 1/25। तो अब ध्यान से देखो कैसे कर सकते हैं इसको क्विकली, तो ये x/720 हो गया इज इक्वल टू यहाँ 916 एलसीएम में आ जाएगा तो ऊपर में 7 और यहाँ पे 9 और 25 आ जाएगा तो ऊपर में 16, राइट। तो आप ध्यान से देखो नीचे से नीचे 9 से 9 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये ऊपर में आ जाएगा 7 into 25, नीचे में आ जाएगा 16 into 16 और ये 720 मल्टीप्लाई होगा, तो आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन आ जाएगा आपको ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में वेव नंबर ऑफ फर्स्ट इमिशन लाइन, अगेन फर्स्ट इमिशन लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ध्यान से देखो फर्स्ट इमिशन लाइन बाल्मर बोला तो N1 कितना हो गया 2, फर्स्ट इमिशन तो N2 हो गया 3 और हमसे R के टर्म में पूछा गया है, राइट। तो अभी बताया वेव नंबर मतलब 1 by lambda वी बार इज इक्वल टू R, हाइड्रोजन एटम है तो Z1 1 upon 4 - 1 upon 9 हो जाएंगे, राइट। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा R into 9 4, तो 36, तो ये तो कितना जाएगा 5R/36, ऐसा कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आयनेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम का गिवन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N=1 to 2, तो आयनेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा कि 1 से इन्फिनिटी पे ले गए, डेट मीन्स आगे का टर्म ही दे दिया, राइट, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या था 13.6 जेड स्क्वायर 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। आयनेशन एनर्जी मतलब N1 1 हो गया, N2 इन्फिनिटी, तो ये 1 ही हो जाएंगे, डेट मीन्स आगे का नंबर, तो हमें 1 to 2 का ले जाना है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, ये आगे का नंबर वो दे दिया आपको एक तरीके से, राइट, कन्वर्ट करके तो 1.3 into 10 की पावर 6 और ये कितना हो जाएगा 1 upon 1 - 1 upon 4, तो 3/4 times, तो इसको आप क्या कर लो 13/10, तो एक 10 से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 into 3/4 into 10 की पावर 5। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, 13 का 3/4, आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 3 the 12, 3 3 the 9, 9 से कुछ ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। हेलो एवरीवन, कैसा का है,
आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उस ट्रिक्स या कंसेप्ट से आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे और बहुत कम कैलकुलेशन करके भी कर लोगे। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले अगर हम बात करें हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में HUP से लिखूंगा, राइट। और इसका क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एट ए टाइम हम नहीं बता सकते, और अगर आप बताएंगे तो एरर आएगा, वो एरर H/4π ये एक फिक्स नंबर हो गया, इससे ग्रेटर या इक्वल होगा, ये उसका कहना था। H की वैल्यू आपको मालूम है 6.6 × 10⁻³⁴ अपॉन 4, तो एक नंबर है, और पाई 3.14, तो ये नंबर कैलकुलेट कर लो, इससे ग्रेटर या इक्वल आएगा एरर, ये उनका कहना था। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन और डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर इक्वल होगा H/4π से। इस पे बेस प्रॉब्लम आते हैं, बस ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो वेरी सिंपल है ये। सिमिलरली ये तब यूज करना जब आपको पोजीशन और मोमेंटम के बारे में गिवन हो। अगर पोजीशन एंड वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो तो कैसे करेंगे, वी नो मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो अगर मैं चेंजेस लगाऊं तो डेल्टा पी इक्वल टू मास में चेंजेस तो होगा नहीं, राइट, तो एम बाहर आ जाएंगे डेल्टा वी, तो इसलिए इसको यहां पुट कर देंगे, तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर इक्वल H/4π। तो ये तब यूज करेंगे जब आपको पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एनर्जी और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी ऑलवेज H/4π से ग्रेटर होगा। और कैसे, तो यू नो एनर्जी जो होता है वो एफ डॉट एक्स हो जाएगा, राइट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को क्या लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा ET = mv x, डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स, एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स क्या H/4π, तो वही सेम बात है, राइट, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट और समझना है, डेल्टा वी आप कैसे निकाल सकते हो, अगर वेलोसिटी गिवन है तो उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर वी इंटू परसेंटेज एरर से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो चूंकि वी नो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, कितना चेंज हुआ, राइट, डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी इंटू 100, चूंकि परसेंटेज की बात करेंगे तो ऑलवेज इंटू 100 में हम बात कर रहे हैं। तो ये है आपका HUP, और यही तीन फार्मूला जिस पे बेस्ट प्रॉब्लम आएंगे अभी हम एप्लीकेशन में देखेंगे भी। सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँगा PEE। इसको एक सिंपल हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लो ये ब्लॉक है 10 kg का और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है। जब तक आप इसको 10 N का फोर्स नहीं दोगे ये ब्लॉक वहाँ से स्लाइड नहीं होगा। तो क्या होगा, आप ध्यान से देखो, अगर जब तक आप 1 N 2 N 3 N जब तक आप 10 से कम फोर्स लगाओगे ये ब्लॉक वहीं पर रहेगा, 10 से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये ब्लॉक वहाँ से मूव करने लगेगा। तो वही एग्जैक्टली सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है कि ये मेटल की सरफेस है, इस पे कोई लाइट इंसिडेंट हुई तो उसके पास फ्रीक्वेंसी है, उसके पास वेवलेंथ है, डेट मीन्स एनर्जी ट्रांसफ़र होता है इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को, और अगर वो इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है जो उसको पकड़े हुई है उससे अगर ज़्यादा हो गया आपकी एनर्जी तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है। इसलिए इसका फार्मूला है इंसिडेंट एनर्जी जो आप दे रहे हो डैट इज इक्वल टू E0, मतलब वो बाइंडिंग एनर्जी, राइट, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाउंडेड है, तो वो उतना तो चाहिए ही, और अगर एक्स्ट्रा दे दिया, इससे ज़्यादा दे दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। और वी नो HC/λI मतलब इंसिडेंट, HC/λ0 जो उसका होगा, राइट, और प्लस के ई या HF इंसिडेंट HF0 KE। तो इसलिए हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं कि जो भी एनर्जी हम देंगे उसमें से कुछ एनर्जी फाई मतलब वर्क फंक्शन डेट मीन्स उस मेटल की बाइंडिंग एनर्जी में चला जाएगा और एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। इसीलिए कहीं कहीं पे क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है कि वो कंडीशन बताओ जहाँ पे जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, डैट मीन्स आपको क्या करना है काइनेटिक एनर्जी को जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा तो इंसिडेंट एनर्जी क्या हो जाएगा वर्क फंक्शन के बराबर, ऐसे। या दूसरा और कैसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, चूंकि मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब क्या हो गया मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी क्या हो सकती है जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, तो अगेन EI E0 के बराबर होगा। तो ये सब पॉइंट्स आपको समझना है कि यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है, और
हम कैसे एनर्जी निकाल सकते हैं अगर वेवलेंथ गिवन हो, तो एच सी बाय लेमडा नॉट से इसकी वैल्यू अगर पुट करूँ तो 1240 लेमडा नैनोमीटर में पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इन सब केस में आपको क्या बनाना है, काइनेटिक एनर्जी को जीरो। अगर ग्राफ की बात करें, इसको वाई एक्सिस पे लेते हैं तो ये सम कांस्टेंट, और इसको एक्स एक्सिस पे, तो ये इस टाइप से ग्राफ होगा एनर्जी वर्सेज काइनेटिक एनर्जी का, राइट। तो ये क्लियर होना चाहिए। जहाँ पे भी नॉट लगा हुआ है मतलब वो थ्रेशोल्ड वर्ड यूज कर सकता है, एक ही बात है, डरना नहीं है, वही वो बाउंड्री कंडीशन है, वही वो लिमिटिंग कंडीशन है। अगेन इस पर बेस्ट प्रॉब्लम कैसे आते हैं उसको मैं डिस्कस करता हूँ अप्लीकेशन में। क्वेश्चन नंबर वन में मिनिमम अनसर्टेनिटी बताना है इन ए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए रीजन ऑफ टू टाइम्स बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो यू नो यहाँ पे स्पीड पूछा है और आपको डिस्टेंस के बारे में गिवन है, तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4π। चूंकि यहाँ पे मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है इसलिए मिनिमम वैल्यू एच अपॉन 4π ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4π, राइट। चूंकि एच अपन 4π की वैल्यू आपको मालूम है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, डेल्टा वी आपसे पूछा गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, और डेल्टा एक्स आपको गिवन है टू टाइम्स ऑफ बोर ऑर्बिट। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ बोर ऑर्बिट मतलब 53 पिकोमीटर, ऐसा यूनिट में 10^-12 मीटर होगा। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो H की वैल्यू हो गई 6.6 × 10^-34 डिवाइडेड बाय 4π की वैल्यू 3.14, राइट। मास हो गया 9 × 10^-31 kg, और डेल्टा भी आपका यहाँ से निकला हुआ है, ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 106 × 10^-12। हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन सारे जो हैं वो किलोमीटर में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10^3 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले मैं 10^ का एडजस्ट करता हूँ, ध्यान से देखो 31 और 12 कितने हो गए, 43, जिसमें से 3 गया तो 10^40 हुआ, तो राइट। तो ये सब निकल करके ऊपर में कितना हो गया, 10^40, ये निकल जाएंगे तो कितना हो गया, 10^6। अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं, 106 को मैं 100 ले सकता हूँ, तो इससे ये कितना बचेगा, 10^4। 9 को भी मैं 10 ले सकता हूँ, तो इससे कितना बचेगा, 10^3। ऐसे आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 × 3 = 12, तो ये 1 और ये 2 टाइम्स में 1/2 × 10^3 है, डेट इज अप्रॉक्स में कितना हो गया, 500 किलोमीटर पर सेकेंड, 500 के आसपास, ध्यान से देखो एक ही है, चूँकि हमने अप्रॉक्स किया इसलिए 550 कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन में डेल्टा वी दे दिया था, डेल्टा एक्स मैंने उस टाइप से नहीं लिखा है, जस्ट जो जो गिवन था, डेल्टा वी दे दिया, डेल्टा एक्स दे दिया, तो मास ग्राम में पूछा जा रहा है, तो अभी सी बात है फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4π। ध्यान रहे मास ग्राम में निकालना है, सब ऐसा यूनिट में गिवन है, तो इट्स ओके, आप पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, ध्यान से देखो कि डेल्टा एक्स आपका है 10^-7, राइट, डेल्टा वी 2.4 × 10^-26, और मास तो हमें निकालना है बट ये केजी में आएगा, ध्यान रहे, इज इक्वल टू एच 6.6 × 10^-34 / 4 × 3.14। तो यहाँ से मास आएगा, तो ध्यान से देखो 26 और 7 कितने हो गए, 33, तो ये एक 10^-1 बचेगा, राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 10^-1। तो यहाँ से, और चूंकि मास केजी में आता तो हमें ग्राम में ले जाना है, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो एम क्या हो जाएगा डायरेक्ट ग्राम में, ध्यान से देखो 6.6 × 10^-1, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, नीचे में 4 × 3.14, 2.4। अब हमारे पास ऑप्शन है, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले तो इससे ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, राइट, अभी बताया 4 × 3 = 12 और ये 6, तो ये 2 टर्म्स में, तो ये अप्रॉक्स में कितना हो गया, ध्यान से देखो तो ये 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8, 1/4.8 × ऊपर में कितना बचा, ध्यान से देखो तो 100, तो ये कितना हो गया, 20 के आसपास आ रहा है, राइट, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन है, कैसे, 4.8 को 5 ले सकता हूँ, तो 5 से ये 20 टर्म्स में, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। इस टाइप से आपको करना है अप्रॉक्स कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को देख करके डरना नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन वेलोसिटी आपको गिवन है, अनसर्टेनिटी गिवन है 0.02%, तो डेल्टा एक्स बताना है इलेक्ट्रॉन के लिए,
तो वही सेम पॉइंट, वी है डेल्टा एक्स है, तो अभी बताया डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, एच अपॉन फोर पाई के। बस अगेन कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना सब ऐसा यूनिट में, राइट। तो हमें ऐसा यूनिट में पुट करना है, डेल्टा एक्स तो हमें निकालना ही था, राइट। अब यहाँ पे हेच 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4, पाई की वैल्यू 3.14, और ये डिवाइड हो जाएंगे मास इलेक्ट्रॉन का कितना लोगे, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। डेल्टा भी यहाँ पे ध्यान देना, डेल्टा भी आप कैसे निकालेंगे, जो V है 5 इंटू 10 की पावर 6 और उसमें एरर 0.02% है, तो बाई 100। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये 5 टू द वैसे 10 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 6 है ही ऑलरेडी, और ये 10 की पावर ओवरऑल माइनस 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3। उसी को देने का दूसरा तरीका है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 10 की पावर 3। अगेन हमारे पास ऑप्शन सब हैं और पावर अलग अलग है, तो उससे ध्यान देना है। यहाँ पे 31 है, राइट, तो 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस में 28। ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 6। अब ध्यान से देखना, ये अभी कैंसिल किया तो ये 2 टाइम्स में, राइट। तो 2 टाइम्स में क्या, ये 9 को भी मैं 10 ले सकता हूँ, तो एक और पावर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। हमारा ऑप्शन ध्यान से देखो, माइनस 7 तो है लेकिन 1/2.5 हो रहा है, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 0.50 इंटू 10 की पावर माइनस 7, या फिर इसी को 50 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो ये एक ही ऑप्शन ऐसा 10 की पावर 9 में और 58 के आसपास, चूंकि हमने अप्रॉक्स किया है, तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्टिकल का मास गिवन है आपको, डेल्टा एक्स गिवन है, डेल्टा वी निकालना है, अगेन ऑप्शन गिवन है आपको, तो उससे चलेंगे। तो ध्यान से देखो, तो सेम वही पॉइंट कि डेल्टा वी इंटू एम डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, राइट। बस ये ध्यान रखना, ये ग्राम में, तो इसको केजी में ले जाना पड़ेगा, और हमें निकालना क्या, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एच हो गया 6.6 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14, राइट। मास 25 ग्राम है, उसको 10 की पावर माइनस 3 कर दिया हमने, और डेल्टा एक्स आपको गिवन था कितना है, 10 की पावर माइनस 5। अगेन हम पहले पावर को देखेंगे, 34, 34, 28, 30 है, तो पहले देखते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये कितना है, 5 और 3 कितने हो गए, 8, ऊपर गए तो प्लस 8 हो गए, तो ये प्लस 8 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 34 में से 8 हटा दो तो कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 26, और ये कैंसिल होंगे, तो अभी आपको बताया ये अप्रॉक्स 2 टाइम्स में, ये 25 टू द कितना हो गया, 50, तो ये कितना हो गया, 1/50 इंटू 10 की पावर माइनस 26, राइट। अब ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको और करेंगे तो ये 0.02 इंटू 10 की पावर माइनस 26 होगा, जिसको मैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 28 लिख सकता हूँ, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, डेट इज सी। तो इस टाइप से आपको करना है विदाउट कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में मेटल गिवन थे, सबका आपको वर्क फंक्शन गिवन था, तो कितने ऐसे मेटल होंगे जो 400 नैनोमीटर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, तो आपको डायरेक्ट बता रखा हूँ, एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, 1240 बाय लेमडा नैनोमीटर में 400, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका 3.1, तो कितना आ जाएगा, ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या बता रहा है कि वो सारे मेटल जिसका वर्क फंक्शन इससे कम होगा वही शो कर सकता है, क्यों, क्योंकि हमने इतना एनर्जी दिया ही है, तो इससे कम वाले कौन कौन है, ये हैं, राइट, ये भी हैं, ये भी हैं, ये नहीं हो सकता ज़्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 6 में वर्क फंक्शन अगेन गिवन था, लेमडा मैक्स, तो यू नो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम की कंडीशन आपको बताया था कि फिर आपको E इज इक्वल टू क्या कर देना है, E नॉट, तो रिमूव एन इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर में बताना है, तो क्या हो जाएगा, HC बाय लेमडा, राइट, इज इक्वल टू आपको ध्यान रहे ये 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये जूल्स में, तो यहाँ पे ये पुट कर दो H की वैल्यू 6.63 10 की पावर माइनस 34, और C हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8। लेमडा आपको नैनोमीटर में निकालना है, बट अभी जो हमने SI यूनिट पुट किया तो लेमडा मीटर में आएगा, तो ये 6.63 से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 19 से ये कितना हो जाएगा, माइनस 15, राइट, तो ये 8 से ये 10 की पावर माइनस 7, तो इधर ले जाओ, तो लेमडा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो,
सिर्फ 3×10⁻¹। ये मीटर में है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 300×10⁻¹ मीटर, नैनोमीटर में ये आ जाएगा, राइट। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻¹ मीटर, तो आंसर हमारा लेमडा कितना हो जाएगा, 300। तो इस टाइप से इंटीजर टाइप में आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में मिनिमम एनर्जी बताना है अगर एफ नॉट आपको गिवन है। अगेन मिनिमम एनर्जी मतलब वही चीज़ हो गया, तो एच एफ नॉट की वैल्यू निकालना है आपको, तो 6.63×10⁻¹ और एफ नॉट गिवन है 1.3×10⁻¹, सब ऐसा यूनिट में, तो उसी में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो ये कितने हो जाएंगे, 6.63×1.3×10⁻¹⁹ हो जाएगा, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना के आसपास आएगा, और 10 से लेस रहेंगे, 10⁻¹⁹ वाले और 10 से लेस वाले एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में फाई वर्क फंक्शन आपको बताना था, लेमडा इंसिडेंट आपको गिवन था 4000 एंगस्ट्रॉम में, वेलोसिटी आपको गिवन था उस इलेक्ट्रॉन का, और ये ऑप्शन गिवन थे। तो पहले ध्यान से देखो कि पहले जो ई आई है वो निकाल सकता हूँ 12400 क्योंकि एंगस्ट्रॉम में, और ये 4000, तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से देखो, तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना हमने एनर्जी दिया, जिसमें काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल सकता हूँ कैसे, 1/2 mv² से, तो ये हो गया 1/2 मास 9×10⁻¹ इलेक्ट्रॉन का, और वेलोसिटी का स्क्वायर तो 36×10⁻¹। बट ध्यान रहे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना है, तो 1.6×10⁻¹ से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 19 और 10 29 में से ये 31 गया, तो 10⁻²² बच जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो कितना जाएगा, इस 9 को भी मैं 10 ले सकता हूँ, तो ये 10⁻²² बच जाएंगे। तो ध्यान से देखो ये हो गया 1/2 1.6, ऊपर में अब कितना बचा, 36×10⁻¹, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसको मैं चाहूँ तो 10⁻¹ कर सकता हूँ, 16×32 अप्रॉक्स में कैंसिल कर सकता हूँ मैं, राइट। तो 32 तो ये 1 point something होगा। तो हमें एक बात क्लियर हो गया कि अब हमारा जो आंसर होगा, चूँकि E इज इक्वल टू जो फाई है प्लस के ई, राइट, तो फाई निकालना है, तो फाई क्या हो जाएगा, ई माइनस के ई, ई में से कुछ कम होगा, E की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो 3.1, इससे छोटा होना चाहिए। ध्यान से देखो ये तो बहुत छोटा हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ये तो उससे ज़्यादा है नहीं हो सकता, ये उसी के इक्वल है नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन है डी। तो ऐसे करना है, कभी भी वो आपका कैलकुलेशन नहीं चेक करना चाहता है, वो आपका माइंड चेक करना चाहता है कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हो। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, हमने इस पे बेस सारे PYQ ऑलमोस्ट ले लिए हैं, और भी जो बचे हैं वो आप कर सकते हो, और इसी तरीके से बेटा आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन से नहीं डरना है। थैंक यू।